Okay, so एनी अपडेट? अजीत भाई के वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है। अजीत भाई गवर्नमेंट जॉब, माय टारगेट इन 2018। अजीत भाई कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई थिंक ज़्यादा वैसे भी लोग नहीं जुड़ेंगे, आई डोंट थिंक सो। अजीत, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द अपडेट्स, तो क्रांति श्रीधर जी कह रहे हैं कि ये नीदरलैंड टॉस जीती है। लेट्स सी गाइस, आई विल टेल यू। अरे यार, स्पोर्ट्स ट्यूबर भाई, कोई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, सो इट्स बेटर दैट आई मीन, क्योंकि इसके बाद एक और मुकाबला है, तो यू कैन डू इट, करो। ले देखते हैं कितना आता है, वैसे भी दैट्स इम्पोर्टेंट, सो आई थिंक करो, सही रहेगा। देखते हैं कितना उसके बाद भी आता है, इसलिए। ओके, सो प्लेइंग 11 ब्रो। ओके भाई, थैंक्स फॉर बीइंग देयर। ओके वेलकम गाइस। उदय मोरी, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द प्लेइंग 11 ब्रदर, सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव। सो यू गाइस, नीदरलैंड वर्सेस, ओके लेट्स, वो तो कर देंगे, लेकिन डोंट फॉरगेट एक बार लाइव आ जाना, क्योंकि 2:30 बजे मैच स्टार्ट होगा उसके बाद। सो गाइस, यू गाइस कैन फॉलो दी दिस फॉलो अ लिंक वेयर आई हैव गिवन यू अ लिंक। सो गाइज, यू कैन जॉइन टेलीग्राम चैनल दैट्स स्पोर्ट्स ट्यूबर, वेयर यू विल गेट दी प्लेइंग 11 फॉर एवरी गेम। सो एनी बडी वॉन्ट टू जॉइन द प्लेइंग 11, यू गाइज कैन चेक आउट ओवर देयर। ओके, तो गाइज, द न्यूज़ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस गेम, दिस इज़ द फिफ्थ T20 विच इज़ गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन नीदरलैंड एंड थाईलैंड। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस गेम, आई थिंक नीदरलैंड इज़ गोइंग टू बैट फर्स्ट, बट आई एम नॉट टू श्योर एग्जैक्टली हु इज़ प्लेइंग एट द मोमेंट। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, आई विल गिव यू एज सून एज पॉसिबल, आई विल गेट द प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। ऑलराइट, थैंक यू उदय भाई। गाइज, आप लोग बने रहें, इफ़ यू गाइज वॉन्ट एनी हेल्प्स, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू फॉर द गेम। ओके, नीदरलैंड क्रिकेट, सो राइट नाउ आई डोंट थिंक सो एनी अपडेट्स हैज़ बिन केम आउट, बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एग्जैक्टली हु इज़ गोइंग टू बैट फर्स्ट, एंड ब्रेनलेस ट्यूमर सेफेस्ट इन T20s। इफ़ यू टॉक अबाउट दी वुमेंस गेम्स, देर इज़ नो सेफेस्ट प्लेयर, आई विल से। आई थिंक लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू प्ले इन दिस गेम, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, सो ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्लेइंग 11 गाइज फॉर यू। So this is the fifth T20 guys, and if we talk about safest player for this game, I'll say, just give me a moment. Rebecca Stockel, Steyer, Rebecca, and then. See guys. If we talk about this game, Netherlands, I'll say S. Callis. She is going to be one of the safest choice. In bowlers, you can pick C. D. Lange, S. Seegers, E. Lynch, and R. Ritchie. I think these are the players whom you can pick up.
भाई पांच इंपॉर्टेंट प्लेयर के नेम दो ना। वेल उदय भाई, चलो यार मैं बताता हूँ आपको, पिछले जो मुकाबलों में अभी तक जो भी अच्छे प्रदर्शन करा है आप नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो पहले गेम की बात करें तो पहले गेम में 90 रन बनाए थे नीदरलैंड ने और 20 ओवरों का सामना किया था। और अगर हम बात करें नीदरलैंड की ओर से तो नीदरलैंड की ओर से कुछ खास बल्लेबाजी नहीं हुई थी। नीदरलैंड की ओर से बल्लेबाजी करी थी इन्होंने, जूलियट पोस्ट ने 18 रन बनाए थे और बेबेटा डी लीड ने 50 रन बनाए थे पहले मुकाबले में। विल कैलिस प्ले? वेल आई एम नॉट श्योर ब्रेनलेस टीमो, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हु इज़ गोइंग टू प्ले इन द गेम। एंड आई थिंक मोस्ट प्रॉबली इफ यू टॉक अबाउट नीदरलैंड, आई थिंक इयन लिंच इज़ द सेफेस्ट चॉइस। एस एन सीगर्स इज देयर, यू कैन पिक ओवरडिच इफ यू वॉन्ट टू। इफ यू टॉक अबाउट बैटिंग यू कैन पिक बी डी लीड, सी इज दी ओपनर ऑफ नीदरलैंड। एंड देन आई थिंक द कैप्टन जे पोस्ट इज विल बी अ गुड ऑप्शन। एंड देन आई थिंक देर आर फ्यू प्लेयर्स एज वेल आई कैन। टेक्निकल बॉय बॉय भाई हु इज़ बेस्ट टीम? गोविंद भाई अगर बेस्ट टीम की बात करें तो यार थाईलैंड की टीम ज़्यादा अच्छी है नीदरलैंड के मुकाबले, वुमेन्स टीम। इसके बाद शाम को एक और मुकाबला खेले जाने वाला है, इस मुकाबले में टॉप ऑन टेबल या टेक्निकल भाई, हाँ शी इज़ दे आर इन ऑन टॉप ऑफ द टेबल, यू आर राइट। सो फॉर नाउ गाइज देर इज नो अपडेट्स एंड इफ यू टॉक अबाउट थाईलैंड हैज़ प्लेड टू गेम्स एंड दे हैव वोन बोथ द गेम्स। नीदरलैंड हैज़ लॉस्ट बोथ द गेम्स, स्कॉटलैंड हैज़ जस्ट वोन वन गेम एंड दे हैव लॉस्ट वन, बट देर नेट रन रेट इज़ नॉट गुड एट ऑल। भाई बॉलर्स उदय भाई जो बढ़िया हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो थाईलैंड के बॉलर्स ज़्यादा अच्छे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू कैन पिक एनी ऑफ दी ऑलराउंडर्स फ्रॉम बोथ द प्लेयर बोथ द टीम्स, आई थिंक दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। सो नाउ या यू आर एब्सोल्युटली राइट, टेक्निकल टेक्निकल बॉय यू हैव अ वेरी यूनिक चैनल मैन। नीदरलैंड वुमेन, सो नीदरलैंड हैज़ नॉट वॉन एनी गेम्स टिल नाउ गाइज। सो ओके, सो द गाइज अपडेट इज दिस दैट नीदरलैंड हैज़ वॉन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। सो दैट्स द अपडेट विच वी हैव राइट नाउ गाइज, नीदरलैंड इज बैटिंग फर्स्ट एंड दे आर बैटिंग फर्स्ट, यू आर राइट टेक्निकल बॉय, या दैट्स द अपडेट फॉर नाउ, दे आर बैटिंग फर्स्ट। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड द प्लेइंग 11, आई थिंक वी गॉट द अपडेट दिस नाउ, बट लेट्स सी इफ वी कैन गेट द प्लेइंग 11 एज वेल इन स्पोर्ट्स। क्रिकेट अभिजीत, विच इज़ बेटर? वेल बेटर टीम आई थिंक थाईलैंड इज़ अ बेटर टीम इन बोथ द टीम्स। मदर फकीर जी जो टॉस जीता है नीदरलैंड ने और बैटिंग कर रही है, नीदरलैंड इज़ बैटिंग फर्स्ट। अभिजीत, या ब्रो आई एम ट्राइंग टू फाइंड द प्लेइंग 11, सो वंस आई विल गेट द प्लेइंग 11 आई विल जस्ट गिव यू राइट हियर। ओके सो आई थिंक एशेस T20 ब्लास्ट वुमेन्स,
Yeah, I'm trying to find the team news, brother. So, give me some time so I can give you the playing 11 for the for both the teams, guys. Okay. साई कुमार ड्रीम इलेवन इले नॉट गुड. ड्रीम इलेवन इज नॉट गुड. तो बांग्लादेश वुमेन सुपर लीग इंग्लैंड ग्लोबल T20 नीदरलैंड हैज वॉन द टॉस एंड दे आर बैटिंग फर्स्ट गाइस. And oh, that's the update that we have till now. I'm trying to find out the playing 11 for both the teams. So once I'll get the playing 11, guys, I will tell you. Well, if you talk about a safest option, you can pick Babita De Lead. She is a good player. Then you can pick Juliet Post. And then you can pick one more batsman, Miranda or maybe Denise Hanema. These four players you can pick from this side. I will talk about other team, Thailand. I think you can pick Nanapet Koncharakai. Then you can pick Sornari Tipoch. She is the captain. And Natkin Chantam, you can pick her as well. She is going to be a good option for the game. So I think CKF यार अब प्लेइंग 11, somebody is saying playing 11 is out. So by trying to find the playing 11, guys. So CKF TV, I think Thailand jeetwo ei game ta. Amake lage ei game ta Thailand jite jabo. So I think there is three matches is going to be played between these. Well, guys, I'm still not able to find the playing 11, but I'm trying to get the playing 11. If you guys have any questions, you guys can ask till that time in the comment section. So, Netherlands has won the toss and they are batting first. And this is the 179th T20 women's game, which is going to be played between these two sides, Netherlands women and Thailand women. Okay, first spot. So, and I think this will take another 5 minutes, I believe, to give you the 2 3 minutes to give you the playing 11 if it's possible. Netherlands, Netherlands, then I Netherlands, Sri Lanka. So, okay, Robin, tell us the playing 11, brother. You can copy and you can pick the playing put the playing 11 here. दीपांकर ओके. ईवा लिंच इज आउट. हु वॉन्ट टॉस? अनिल भाई टॉस नीदरलैंड ने जीता है और दे आर बैटिंग फर्स्ट. सो
So guys, the update I think is this. Okay, no playing 11. It's not showing any kind of playing 11 here. So this game is going on in Sport Park at Schofield Deventer. So Richkey lead the canister post. Okay. Netherlands playing out. What about Thailand? Thailand, I think they have not. Well, in Thailand, if you talk about, I think the same team will play in this game as well, which played in the last game. I'm not pretty sure that they are exactly going to play. Robin playing Mihir Bhai, Lange, Bennett, Zwelling. So, Robin, these guys are playing or they are not playing in the game? So guys, the update for the game is Netherlands has won the toss and they have elected to bat first. This game is going to start at 2:30 p.m. So if we talk about the toss, Juliet Post, the captain of Netherlands, they have won the toss and they have elected to bat first. Okay, so Bjørg Bloemen and okay guys, so for Netherlands we have the update that Robin has given us the update. Thank you so much, Robin. Lang, Zivert, Zwelling. Okay. Thanks for the update, brother. That's okay if you don't have about them. So guys, we have Arkell and Lynch. This is the playing 11, I believe, for the Netherlands women for now. Thailand, by the way, thank you so much for the update, Robin Clement, brother. By the way, where are you? Where have you found this playing 11? Can you let me know, please? So Thailand, I think still we don't have any update for Thailand, I believe. Let's see if we will able to get any kind of update for that game and for Thailand women's as well. Okay guys, if you have joined my channel for the first time, please don't forget to subscribe and press the bell icon as well, so in future you'll get the notification of my videos each and every time whenever you'll watch it. वेल अनिल भाई, ओपनिंग की अगर हम बात करें तो यार मेरे ख्याल से लीड ओपनिंग करेंगी और उनके साथ मे बी रिचकी या फिर डेकेंटर, दोनों में से कोई एक वहाँ ओपनिंग स्टार्ट कर सकता है इस नीदरलैंड की ओर से. ओके, सो गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन सो वी कैन हेल्प यू. शरद भाई, आज कोई बारिश आने के चांसेस नहीं है. महीम अहमद जी, इफ वी टॉक अबाउट इस मैच की बात करें तो मुझे लगता है ये मुकाबला थाईलैंड वुमेन जीतेगी. व्हाट यू गाइस थिंक, यू गाइस कैन प्रेडिक्ट इन द कमेंट सेक्शन, आप लोगों को क्या लगता है. शरद हेगड़े जी, एनी चांस ऑफ रेन? नो ब्रदर, टुडे आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी चांस दैट इट दिस विल बी आई मीन एनी चांस ऑफ रेन. Okay, Thompson. Okay, no worries. So
So thank you, Robin. I think I should. What I can do is we'll talk about the game. So you can stay here, Robin, and we can talk about this game more and more. So guys, right now if you talk about the game is going to start in next couple of minutes. And Netherlands is batting first at the moment in this game. They won the toss against the Thailand women. This is the fifth T20 of this series. Okay. So today there I don't think so there is a lot of matches is going to played. I think two more games is going to happen. You're welcome, Robin Bhai and Sharad Hegde Bhai. Aapka bhi welcome hai. And if you guys have not subscribed our channel, please don't forget to subscribe. Madhu Gundu Srikanth, who win, bro? I think in this game, if we talk about Netherlands is going to win the game. So, guys, we have the playing 11 now. If anybody wants a playing 11, we have it. Abhishek Bhai playing 11. This is the playing 11 for the Netherlands team. Oh, they have a very big names, I think. Chantham, Bantam, Tipuch, lot of big names. So this is the playing 11 for the Thailand women, guys. So दो गेंदे हो चुकी हैं, बता दूं आप लोगों को, दो गेंदों पे एक रन बनाया है नीदरलैंड वुमेन. यहाँ पे बल्लेबाजी करनी आई है. अगर नीदरलैंड वुमेन की बात करें, इनकी ओर से ओपनिंग करने की अगर हम बात करें, तो ओपनिंग में आई है बी लीड और उनके साथ ही हैं आर रिच की, जो कि ओपनिंग कर रही है इस पांचवे T20 मुकाबले में. और यहाँ पर पहला चौका लगता हुआ अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो पहला चौका लगाया यहाँ पे बी लीड ने. तीसरी गेंद पे अच्छा शॉट था, गेंद को कवर की तरफ मार दिया, गेंद 4 रनों के लिए. तो पहला ओवर यहाँ पे अगर हम बात करें, सथिरुवांग गेंदबाजी कर रही है नी थाईलैंड की ओर से, और चौथी गेंद इस ओवर की सामना करने के लिए तैयार हैं बी लीड. शाई कृष्णा सोमू भाई, इफ वी टॉक अबाउट दिस गेम, आई थिंक थाईलैंड वुमेन इज गोइंग टू विन द गेम. दैट्स माय प्रिडिक्शन. सो व्हाट यू गाइस, व्हाट क्या लगता है आप लोगों को, ये मुकाबला थाईलैंड जीतेगी या फिर नीदरलैंड जीतेगी? गाइस आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. और अगर हम बात करें यहाँ पे एक और 2 रन, और ऑफ साइड में गेंद को फिर से मारा था कवर की ओर, और गेंद 4 रन 2 रनों के लिए. थाईलैंड बातना जी कह रहे हैं, थाईलैंड लवी वर्मा जी कह रहे हैं सब्सक्राइब. गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक करना ना भूले इस वीडियो को. कोई भी क्वेश्चन हो गाइस आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. शारद हेगड़े जी कह रहे हैं कि मस्ट विन गेम फॉर नीदरलैंड. यू आर एब्सोल्युटली राइट ब्रदर. इफ दे आर नॉट गोइंग टू विन दिस गेम, आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू कम बैक इन द यू नो इन द इन दिस सीरीज. सो अनदर 3 रन, अनदर कपल ऑफ रन फॉर बी लीड. शी हैज स्कोर्ड 8 रन इन दिस 5 डिलीवरीज. ये कौन सी साइट है केब्र? ओके वाओ कुलुंग कुलुंग जी वाओ. ओके वेलकम ब्रदर. लावी वर्मा जी हाय, कैसे हैं आप? गाइज अगर आपने अभी अभी ज्वाइन करा है चैनल को, तो बता दूँ आप लोगों को, नीदरलैंड ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है, और पहले ओवर में काफ़ी अच्छी स्टार्ट, मैं कहूँगा 9 रन बना चुकी है नीदरलैंड की टीम की बात करें तो. बी लीग ने 8 रन बनाए हैं, 6 गेंदों का सामना किया है. रिजवान दिन मोहम्मद हाय ब्रदर, कैसे हैं आप? गौरव हब, दिस इज़ नॉट अ साइट, दिस इज़ अ एप्लीकेशन वे विल फाइंड इन दी गूगल.
Which side is Zakir? Zakir got two. Zakir, where are you from, brother? Dilip, hi brother, कैसे हैं आप? हो गया, टीम भी प्रोवाइड करते हो क्या? भाई लेट्स आई डोंट प्रोवाइड टीम्स एंड ऑल. कौशल, व्हाट हैपेंड ब्रदर? एमडी अरमान जी कह रहे हैं कौन जीतेगा भाई? भाई मुझे लगता है ये मुकाबला यार इंडिया जीत सॉरी थाईलैंड जीतेगी. ऐश्वर्या कपूर, वेलकम टू अवर ब्रॉडकास्ट ऐश्वर्या. भाई हु आर फेवरेट टू विन दिस मैच? वेल इफ यू टॉक अबाउट दिस गेम, आई थिंक इन दिस गेम थाईलैंड इज गोइंग टू विन द गेम. भाई प्लीज शेयर, आप कौन सा है भाई? ESPN क्रिक इन्फो. दिलीप भाई, मेरा नाम चंदन है. और दलवीर जी, राधे राधे भाई, कैसे हैं? शुभम जी कह रहे हैं नीदरलैंड जीतेगी. यहाँ पे दूसरा ओवर स्टार्ट हो गया गाइस, बता दूँ आपको. एक ओवर एक गेंद हो चुकी है, पहले गेंद पे कोई रन नहीं. रिच के यहाँ पे गेंदबाज बल्लेबाजी करनी है, और हम गेंदबाजी की बात करें तो दूसरी गेंद पे सिंगल निकाला है. बॉच एंथम ने गेंदबाजी कर रही है यहाँ पर दूसरा ओवर इस इनिंग्स का. तो एक ओवर दो गेंदे हो चुकी हैं, 10 रन और कोई विकेट नहीं. अगर हम यहाँ पर बी लीड की बात करें तो काफ़ी अच्छी शुरुआत इस मुकाबले की. मैं बढ़िया दलवीर भाई. नीदरलैंड श्योर विन. अभिषेक जी कह रहे हैं कि नीदरलैंड जीतेगी. भाई हाला प्ले में 50,000 इन्वेस्ट किए हूँ. ओके राम धीरज जी, 50,000 हाला प्ले में कैसे आपने इन्वेस्ट कर दिया? थैंक्स भैया फॉर योर रेगुलर अपडेट्स. योर वेलकम रिजवान दिन मोहम्मद भाई. भाई विकेट नहीं, भाई अभी विकेट नहीं गिरा इस ओवर में, विकेट हुआ गया है भाई. लवी वर्मा नहीं यार, अभी एक ओवर तीन गेंदे हुई हैं, 11 रन और कोई विकेट नहीं गिरा है, बता दूँ आप लोगों को. नहीं जकीर भाई, आपको लाइव स्ट्रीमिंग कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. सो दीपक जी कह रहे हैं यहाँ पे, ये दीपक जी कह रहे हैं कि थाईलैंड वुमेन जीतने वाली है. तो लेट्स सी भाई, आई थिंक थाईलैंड, मुझे भी लगता है कि ये मुकाबला जीतेगी, वो मेरी प्रेडिक्शन है. थैंक यू, योर वेलकम टेक्निकल भाई. सो एक ओवर चार गेंदे चेन गेंदे हो चुकी हैं और 11 रन बन चुके हैं. और यहाँ पे स्ट्राइक भी आप बात करें तो अभी रिच की हैं और गेंदबाजी कर रही हैं बुच एंथम, जिन्होंने 4 गेंदों पे 2 रन दिया है. 2 लाख इन्वेस्ट शुभम इज टू. दलवीर भाई हाला प्ले मत खेला करो यार. हाय सचिन भाई, कैसे हैं? अभी चैनल हेल्प कर सकते हो भाई इफ़ यू डोंट. श्योर लवी भाई, हेल्प आई कैन हेल्प यू. लाइव स्ट्रीमिंग प्लीज़. हाय कौन जीतेगा भाई? उज्जवल भाई, मुझे लगता है थाईलैंड जीतेगी. विनिंग गुरु जी कह रहे हैं थाईलैंड वॉन द मैच. हैवन वॉन द मैच, मे बी दे कैन वॉन द गेम. हु विल विन ओपन फ्रॉम थाईलैंड? वेल आई एम नॉट श्योर एट द मोमेंट, बट आई विल टेल यू वंस दिस इनिंग्स विल बी ओवर, देन आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू ओपन फॉर थाईलैंड वुमेन. जहीरुल जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, थाईलैंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड. कौन जीतेगा? सत्येंद्र जी, थाईलैंड जीतेगी, नीदरलैंड जीतेगा. विकेट गया. जी भाई, पहला विकेट चला गया. ब्रदर विकेट विकेट पहला विकेट गिर गया भाई. हाय अयप्पा स्वामी जी, कैसे हैं? ओके सो लॉट ऑफ पीपल आर विद थाईलैंड वुमेन बिकॉज आई थिंक काफ़ी अच्छी शुरुआत ही है. अगर हम बात करें तो एक विकेट यहाँ पे गिर चुका है पहले दूसरे ओवर में ही, और बी लीड फिलहाल अभी भी खेल रही हैं. देशमुख जी वेलकम है आपका. ओके लवी वर्मा भाई, मैं आपको हेल्प करूंगा डेफिनेटली. 10,000 इन्वेस्ट किया है थाईलैंड. ओके भाई ग्रेट, ड्रीम इलेवन एक्सपर्ट. 10,000 आपने किस पे इन्वेस्ट, थाईलैंड वुमेंस के ऊपर करा है? ओके हाला प्ले क्यों नहीं भाई? विवेक राजपूत जी भाई, अगर हम इन वेबसाइट्स की बात करें और इन साइट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ फिक्स होते हैं. कौन रोहल आमीन, आई थिंक थाईलैंड जीत वो ए गेम टा. आया स्वामी, हाय ब्रदर, हाउ आर यू? कैप्टन ने लिया? बिल्कुल यार, कैप्टन नहीं लिया आपके. भाई बी लीड ही एक ऐसी ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छी खेलती हैं इन नीदरलैंड वुमेंस की बात करें तो. यू डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच आदित्य ब्रदर. अकाउंट तो प्रिडिक्शन नीदरलैंड विन. ओके लेट्स सी जकीर हु इज़ गोइंग टू विन द गेम. वेल देशमुख जी यार, दैट्स नॉट पॉसिबल, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट. अगर मुझे कोई भी लिंक मिल जाएगी तो आई विल शेयर विथ यू गाइज, सो यू गाइज कैन इन्जॉय हियर टिल देन. गुरी अभी बताया था यार मैंने, थाईलैंड अच्छी टाइम है क्या? रूहोल, थाईलैंड अच्छी टीम है क्या भाई?
आरुहोल भाई बिल्कुल यार, दे हैव अ वेरी गुड साइड आई विल से। जो इनकी साइड है काफ़ी अच्छी टीम है थाईलैंड की। नीदरलैंड काफ़ी अच्छी करी थी रिसेंटली, बट अब मेरे ख्याल से कुछ उतना कुछ खास नहीं कर पाई है। तो नवनीत भाई, नीदरलैंड ये मुकाबला जीतने वाली है। एक ओवर, 2 ओवर, 2 गेंदे हो गई हैं, 12 रन बन चुके हैं गाइस। थैंक यू सो मच ड्रीम इलेवन एक्सपर्ट जी। आज कौन जीतेगा भाई ये मैं मुकाबला जो है, थाईलैंड जीतेगी। यो वेलकम आदित्य भाई, यो वेलकम रोहन भाई। भाई एक बार बोल दो प्लीज़, लवी बर्मा डेफिनेटली बोल दूंगा यार। नीदरलैंड विन विन है क्या? नहीं, नीदरलैंड देशमुख जी नहीं जीतेगी। ओ आई थिंक 15 तो ऑल आउट। लेट्स सी अनिल जी आउट होते हैं कि नहीं। आज ज़्यादा 76 से 77 बन सकते हैं भाई। ओके इमरान भाई, चलिए देखते हैं यार, नीदरलैंड जीतेगी या फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से तो लगता है यहाँ पे थाईलैंड काफ़ी अच्छी शुरुआत कर चुकी है। आप देख सकते हैं 12 रन बने हैं 2 ओवर 3 गेंदों पे, और एक विकेट भी जा चुका है। तो ओके थाईलैंड बिल्कुल जीतेगी यार, क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले काफ़ी अच्छे तरीके से जीती है ब्रो। आप नीदरलैंड की टीम में 2-3 ऑलराउंडर नहीं खेल रहे हैं इस वीक। वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो गाइज 2 ओवर 4 गेंदे हो चुकी हैं, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और फिलहाल अगर हम बात करें ओ स्ट्राइक पे, तो स्ट्राइक पे हैं हनेमा, जो कि 5 गेंदे खेल चुकी हैं और फिलहाल एक भी रन नहीं बना पाई हैं। पहले विकेट की बात करें तो पहला विकेट आउट हुआ था रिज की, जो कि आउट हुई थी दूसरे ओवर में। गेंदबाजी करती है बोचैंथम, और उन्होंने 1 ओवर में 2 रन दिए हैं और 1 विकेट निकाला है। 2 ओवर 5 गेंदे हो चुकी हैं गाइज, 5वीं गेंद पे कोई रन नहीं, एक और डॉट गेंद। और थाईलैंड नीदरलैंड 23 और रैंक, या यू एब्सोल्युटली राइट, वुमेंस का कुछ नहीं बोल सकते, कब क्या होगा नहीं पता। देशमुख जी आपने बिल्कुल सही कहा यार, वुमेंस गेम में कुछ भी हो सकता है। तो गाइज जो स्कोर हो चुका है, अब एक सिंगल आखिरी गेंद पे पहला स्कोर बनाती हुई है 6ठे गेंद पे, 3 ओवर में 13 रन बन चुके हैं। और अगर हम बात करें स्ट्राइक पे, तो अभी स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार हनेमा, और गेंदबाजी यहाँ पे करेंगे बुचैंतम, जिन्होंने दूसरे ओवर में ही पहला विकेट निकाल लिया था। हाँ नवनीत जी अभी खेल रही है बी डी लीड, जिन्होंने 10 रन बनाए हैं, 8 गेंदों का सामना किया है, एक चौका लगाया उन्होंने। और अगर हम बात करें हनेमा की, तो उन्होंने 1 रन बनाई है और 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। गाइज अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें आप लोग, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का। रात वाले गेम में अगर हम बात करते हैं यार, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में मुझे लगता है कि आयरलैंड वो मुकाबला जीतेगी, विकेट जाएगी इस ओवर में। चलिए देखते हैं भाई, सचिन भाई 3 ओवर 1 गेंदे हो चुकी हैं, 14 रन और कोई एक विकेट गिरा है अभी तक। फिलहाल स्ट्राइक की बात करें, आसिफ भाई आई एम फ्रॉम इंडिया फ्रॉम यूपी, दूसरी गेंद यहाँ पे स्ट्राइक पे रहेंगी बी डी लीड, जिन्होंने अभी तक फिलहाल काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है। पहले ओवर में काफ़ी अच्छी शुरुआत मिल गई थी, पहले ओवर में ही 10 रन बन चुके थे, लेकिन दूसरा ओवर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी इन्होंने और दूसरे ओवर में पहला विकेट निकाला था। दूसरी गेंद पे गाइज कोई रन नहीं, एक और डॉट गेंद। राजस्थान जनरल जी का कहना है आपकी वॉइस अच्छी है, थैंक यू सो मच भाई। कौशल जी जो आउट हुई हैं वो हैं रिज की, जिन्होंने कोई ज़्यादा स्कोर नहीं करा इस मुकाबले में। नीदरलैंड का टोटल स्कोर कितना बनेगा? नवनीत जी मुझे लगता है यार, नीदरलैंड समवेयर दे विल एबल टू स्कोर 110, इसके करीब बन सकता है, 100 110 इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, आई डोंट थिंक सो। ओके आप लोगों को क्या लगता है गाइस, नीदरलैंड ये मुकाबला जीतेगी या फिर थाईलैंड जीतेगी? आप अपने अपने प्रिडिक्शंस कमेंट में टाइप कर सकते हैं, देखते हैं कितने लोगों की प्रिडिक्शन सही होती है। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। अनिल जी कह रहे हैं थाईलैंड जीतेगी, ड्रीम एक्सपर्ट जी का कहना है थाईलैंड जीतेगी, ग्रेट। 3-4 लोग, नवनीत जी भी कह रहे हैं थाईलैंड जीतेगी, इसके अलावा कह रहे हैं आकाश जी थाईलैंड जीतेगी, नवनीत जी भी एक बार कह रहे हैं फिर से थाईलैंड। विनिंग गुरु जी कह रहे हैं सुपर चैट, ओके श्योर यू कैन सेंड सुपर चैट विनिंग गुरु जी इफ़ यू वॉन्ट। मैक्सिमम 85 स्कोर बनेगा, ओके लेट्स सी, आई थिंक समवेयर 100 110 दे विल एबल टू स्कोर। सो गाइज फाइनली दूसरा विकेट गिर गया है। लवी वर्मा जी आपको ओके आई कैन डू वन थिंग फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट,
आई कैन, मैं आपके चैनल को। सो दूसरा विकेट गाइस गिर गया है, बीडी लीड आउट हो चुकी हैं, और दूसरा विकेट एक बार फिर से बोचैनथम ने निकाला है, और जिन्होंने तो पहला विकेट भी निकाला था, और यहाँ पे दूसरा विकेट भी एक बार फिर से निकालती हुई। 60 से 70 विल बी दी स्कोर। ओके, लेट्स सी ब्रदर, आई डोंट थिंक सो दे कैन इजीली एबल टू स्कोर समवेयर 100 रन्स। अगर 100 रन्स भी बन जाता है इस मुकाबले में तो काफ़ी अच्छा। स्कोर बोर्ड पे टैप करो भाई। भाई मैं आपको स्कोर बोर्ड बता ही दे रहा हूँ यार। दीपक कुमार जी ग्रेट, यू आई थिंक यू गोइंग टू विन अ लॉट ऑफ मनी इन दिस गेम। भाई अगर स्कोर बोर्ड की बात करो तो आर रिजेक ने पहले आउट हुई थी इनकी गेंदबाजी पे, वो चैंतम की जिन्होंने दोनों विकेट निकाला है। ओके, कैच की अगर हम बात करें तो यार कैच की यहाँ पर पकड़ा है कौन, चा रोनकाई जिन्होंने आखिरी कैच पकड़ा था इनका। उतना पॉसिबल नहीं है, 100 बहुत कम चांस है। देशमुख भाई बिल्कुल आपने सही कहा, 100 के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी ठीक ठाक। ये जे पोस्ट हैं ये भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करती हैं। नवनीत भाई आई एम नॉट श्योर हु इज़ गोइंग टू विन इन दैट गेम। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं गाइज, और आप देख सकते हैं 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और करंट पार्टनरशिप की बात किया तो 3 गेंदें खेल चुकी हैं पार्टनरशिप, और कोई भी रन नहीं बना है। भाई विन कौन है ब्रो? नारायण छेत्री थाईलैंड विन है भाई, दे आर प्लेइंग वेरी वेल। 4 ओवर में आज बारिश होगा दिलीप भाई, आज बारिश नहीं होगा। गाइज अगर आपने अभी अभी ज्वाइन करा है चैनल को तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज ऑफ एवरी क्रिकेट मैच विच वी आर गोइंग टू फॉलो। हाँ बिल्कुल आकाश भाई, नेक्स्ट मैच आयरलैंड वुमेन जीतेगी, और इसमें मैंने बताया था आपको थाईलैंड वुमेन ये मुकाबला जीतेगी। सो काफ़ी लोगों का कहना, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट थाईलैंड इज़ गोइंग टू विन द गेम, सो लेट्स सी। कोई भी क्वेश्चन हो गाइस प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। नवनीत भाई बिल्कुल यार, नेक्स्ट मैच में भाई डू यू हैव एनी टेलीग्राम? अजीत भाई आई डू हैव अ टेलीग्राम चैनल ब्रदर, सो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन एज वेल। आई गिव यू माई टेलीग्राम चैनल लिंक। सो वॉट यू कैन डू इज़ इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ओवर देयर, सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फ्रॉम देयर। ओके माई कैप्टन पोस्ट ऑलराउंडर, ओके ग्रेट पोस्ट इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर। स्ट्रीमिंग दिखाओ ना भाई, आर एच के कितने मारी? कौशल भाई अगर आर एच के की बात करें तो यार उसने केवल 1 रन बनाए, 4 गेंदों का उसने सामना किया था। हनेमा 3 रनों में पहुंच गई हैं, 8 गेंदों का सामना किया है। नेक्स्ट मैच टॉस बताओ, नेक्स्ट मैच टॉस अभी नहीं हुआ है भाई, टॉस होगा तब बताऊंगा ना। ड्रीम 11 जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि यूएई और नीदरलैंड में दोनों सारे मुकाबले जो है यूएई ने ही जीता था। तो गाइज यू गाइज कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नवनीत जी आपने बिल्कुल सही कहा यार, 100 बनेगा तो एग्जैक्टली बहुत इजी हो सकता है यहाँ पे गेम जीतने को नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो। थॉमसन इज़ हियर, विच थॉमसन आर यू टॉकिंग अबाउट? बात ना मानी भाई, थाईलैंड टीम चेज कर पाएगा कि? नरेन जी पिछले दोनों के दोनों मुकाबले अगर हम बात करें तो थाईलैंड वुमेन ही जीती है, तो मुझे लगता है ये मुकाबला भी थाईलैंड आराम से निकाल ले जाएगी। सो गाइज 4 ओवर 5 गेंदें हो गई हैं, 17 रन और 2 विकेट के नुकसान पे। ओके इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई ऑल द वीडियोज़। राज का ऑलराउंडर भाई,
राजका नो नो शी इज़ नॉट अ ऑलराउंडर, शी इज़ जस्ट अ बैट्समैन. मे बी शी कैन बॉल वन और टू ओवर्स इन द नेक्स्ट इनिंग्स, बट आई डोंट थिंक सो. शी इज़ गोइंग टू बॉल फोर फुल कोटा फोर ओवर्स इन टी दिस T20. यू आर एब्सोल्युटली राइट ब्रदर, थाईलैंड इज़ मच स्ट्रॉन्गर साइड. आई विल नॉट से दैट मच स्ट्रॉन्गर, बट या इन दिस सीरीज दे हैव बीन अ स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर साइड. वन मोर गॉन. या थ्री विकेट्स गाइज, थिंक विकेट विल कम नेक्स्ट ओवर. या एब्सोल्युटली राइट, द थर्ड विकेट हैज़ बिन फॉलन एंड दैट्स लास्ट विकेट. यहाँ पर जो अगर बात करें, जूलियट पोस्ट हैज़ बिन आउट. नाउ दैट्स कैच टेकन बाई बोल कैच टेकन बाई लेओमी दैट वॉज बोलिंग बाई टी पूच. सो द फर्स्ट विकेट फॉर द कैप्टन. तो गाइज तीन विकेट हो चुके हैं अगर हम बात करें नीदरलैंड वुमेंस की. तो नीदरलैंड वुमेंस ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, और यहाँ पे काफ़ी ख़राब डिसीज़न मैं कहूँगा. देशमुख भाई अभी भी बन सकता है 100, लेट्स सी. फ़िलहाल 100 बन जाएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आराम से ये मुकाबला जीत सकती है नीदरलैंड की अगर हम बात करें. तो मुझे नहीं लगता कि 50 रन भी बनेंगे भाई. नीदरलैंड में मैच हो रहा है और इतना बुरा हाल. नवनीत जी यार वही तो नहीं समझ में आ रहा, नीदरलैंड आखिर खेली क्यों रही है जब पता है कि उनको खेलने नहीं आ रहा था. एटलीस्ट दे शुड चे मेक सम चेंजेस इन द टीम, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. सो हाउ मैनी स्टिल बिलीव दैट नीदरलैंड कैन विन द गेम? वी सीन लॉट ऑफ कॉमेंट्स दैट दे वर सेइंग नीदरलैंड इज गोइंग टू विन द गेम. देशमुख भाई यार कोई भी चल सकता है, देर इज़ नो चांसेस. कोम चोम्पू या शी इज़ ऑलराउंडर. आयाश स्वामी यार गेम है, गेम में तो पता ही है कुछ भी हो सकता है, वो भी वुमेंस का क्रिकेट गेम है तो एनीथिंग कैन हैपन इन दिस गेम. छठा ओवर स्टार्ट हो गया गाइज, और 18 रन 3 विकेट के नुकसान पे. देवेंटर इज देयर और नॉट, दे आर प्लेइंग इन डेविंटर. स्त्री है कुछ भी कर सक बिल्कुल सही कहा यार, स्त्री हैं कुछ भी कर सकती हैं, दे कैन डू एनी थिंग. एंड गाइज बता दूँ आप लोगों को, यू गाइज कैन हेल्प माई चैनल बाई जस्ट पेइंग अ स्मॉल डोनेशन ऑफ माई फॉर माई चैनल. आप लोग डोनेट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप डोनेट करना चाहते हैं मेरे चैनल को तो आप डोनेट कर सकते हैं. आपको करना क्या है, आपको डॉलर का साइन दिख रहा होगा आपके कमेंट सेक्शन में, आपको डॉलर के साइन के ऊपर क्लिक करना होगा. उसके बाद आपको सुपर चैट के ऊपर क्लिक करना होगा. जैसे ही क्लिक करोगे आपसे अमाउंट पूछेगा, कितना भी आप डोनेट करना चाहते हो मेरे चैनल को आप डोनेट कर सकते हो. थाईलैंड के भी विकेट गिर सकते हैं, ये लेडीजो का मैच है. बिल्कुल सही कहा यार, लेडीजो का थाईलैंड के विकेट गिरेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विनिंग. गुरुजी सुपर चैट आपको मैंने ऑप्शन बताया कैसे करना है. बैटिंग किसका है भाई? बैटिंग नीदरलैंड कर रही है भाई. नीदरलैंड प्ले लाइक श्रीलंका होम ग्राउंड पे करते हर. सही कहा आपने यार. स्कोर कार्ड पे टैप कर दो यार. ओके यार, भाई लास्ट बाउंड्री कब आई थी भाई? लास्ट बाउंड्री पहले ओवर में आई थी, उसके बाद बाउंड्री आई नहीं है. ओके भाई, ये भी डेवेंटर किस प्लेयर का नाम है? टीम 11 में दिखाया था कि वो खेल रही है. प्लीज़ केशम कुमार जी यार, ये आई डोंट नो, आई थिंक डेवेंटर जो ग्राउंड है, ग्राउंड का नाम डेवेंटर है. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डेवेंटर इज प्लेइंग. ओके प्रशांत जी कह रहे हैं वन मोर विकेट इन दिस ओवर, लेट्स सी प्रशांत भाई. पता नहीं नीदरलैंड के स्त्री कैलिस को क्यों नहीं लिया. चारों टीमों में नीदरलैंड में सबसे बुरी हारेंगे, थाईलैंड और आयरलैंड में फाइनल में होगी. एब्सोल्युटली सही कहा यार आपने अजीत अंधाले जी, सबसे पहले आपका वेलकम है आपका हमारे ब्रॉडकास्ट पे. सो 6 ओवर 3 गेंदें हो गई हैं, 6 ओवर 4 गेंदें 20 रन और 3 विकेट के नुकसान पे. शिवू भाई अगर हम आउट की बात करें तो बी डी ले आउट हुए हैं, जिन्होंने 10 रन बनाए हैं और जिन्हें बनाए थे 10 गेंदों पे. आर रिच की आउट हुई है, 1 रन बनाए थे उन्होंने. और जे पोस्ट आउट हुई हैं, जिन्होंने 2 रन बनाए थे, 8 गेंदों का सामना किया था.
तो ये रही अभी फिलहाल के लिए अपडेट स्पोर्ट्स ट्यूबर भाई। तुम करोगे तो भी मेरे ख्याल से इतने ही रहेंगे, सो आई डोंट थिंक सो देयर विल मेक एनी डिफरेंस। इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट यू कैन डू इट, आई थिंक जितने हैं उतने ही रहेंगे। आई डोंट थिंक सो दे गना इंक्रीज और दे गना डिक्रीज। यू वेलकम शिवो भाई। ओके दिस शी इज़ योर कैप्टन, लेट्स सी। नो अबाउट देवेंद शशांक। आयरलैंड और थाईलैंड में बिल्कुल फाइनल होगा यार। मैंने चेक नहीं करा यार अभी। वंस आई विल हैव अ टाइम आई विल सी इट। सो शुभम सिन्हा जी वेलकम टू आवर ब्रॉडकास्ट ब्रदर, हाउ आर यू। फिलहाल जो स्कोर है गाइस बता दूँ आप लोगों को, 7वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और बल्लेबाजी अभी हैनेमा और वैन बीयू कर रही हैं, जिन्होंने 2 गेंदों पे 2 रन बनाए 8 गेंदों का सामना किया है। देशमुख जी यार आई एम फ्रॉम यूपी। राउडी फेलोस हाई ब्रदर हाउ आर यू वेलकम टू आवर ब्रॉडकास्ट। पहली गेंद देखो डॉट गेंद, 8वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 8वां ओवर यहाँ पे गेंदबाजी करने आए हैं लेओमी, जिन्होंने 1 ओवर 1 गेंदें करी हैं। और साथ दूसरी गेंद पे यहाँ पे 2 रन बने हैं गाइस। आर यू टेलिंग और नॉट शशांक, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन शशांक, कैन यू लेट मी नो, आई हैवन सीन दी। सो वेस्ट जे पोस, या वेंकटेशन जी यू आर एब्सोल्युटली राइट, शी इज़ अ वेस्ट। सो वेस्ट जे पोस्ट और विकेट भाई, लेडीजों का मैच बड़ी स्पीड से हो रहा है नवनीत भाई। ये यार इवर्स मेक इट फास्ट। ओके आस्क मी द क्वेश्चन वन मोर टाइम। चंद्र भाई हाला प्ले बहुत लॉस हो गया, अब कोई आप हो बताओ। दलवीर भाई आपको बताएंगे यार, आप बने रहो मैं आपको दूसरा ऑप्शन दूंगा। डी डेवेंटर कौन है इन, मैंने इसको अपनी टीम में रख लिया तो खेल रही है कि नहीं डी डेवेंटर यार। भाई मेरे कैप्टन सी सी थ्रूंगे भाई, तुम्हें कभी ऐसा हुआ देखा नहीं। भाई T20 ही है। पूजा स्ट्रीमा हाय हाउ यू, पूजा स्ट्रीमा वाई यू वॉन्ट एवरी वन टू गो टू योर। सो वीरू पांडे वेलकम ब्रदर, हाय हाउ आर यू टुडे। दिनेश देवेंतर हमेशा बेस्ट बैट्समैन, देवेंतर प्लेज फॉर लाइव मैच। ओके श्योर, देवेंतर का नाम है नारियन, प्ले स्टॉक है जिसे हम डाउनलोड कर ले। ओके अनिल जी वेलकम है भाई। विशाल वेलकम टू अवर ब्रॉडकास्ट। उज्ज्वल याम फाइन हाउ यू। आई थिंक हनेमा इज़ ही डेवेंटर है शायद। ओके अभी आप लोगों को बताता हूँ हनेमा कौन है। हनेमा इज़ दी, अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हनेमा है या डेवेंटर। ओके सो गाइस बता दूँ, जो आप डेवेंटर के बाद में बात कर रहे हैं वो है डिनीस हनेमा, खेल रही हैं फिलहाल। थॉमसन इज़ नॉट प्लेइंग। ओके सो आई थिंक ओके लेट्स सी, डू गुड नॉट गेट गुड, नॉट श्योर यू गोना विन द गेम और नॉट। हु इज़ द विनर, आई थिंक इन दिस गेम थाईलैंड इज़ गोइंग टू विन द गेम। हाई वाई प्लीज़ योर टेलीग्राम चैनल सुप्रिया, यू विल फाइंड अ टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्ट, आई मीन यू विल फाइंड अ लिंक फॉर माई टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। यू विल फाइंड द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। हनीमा ही डेवेंटर है, नहीं भाई हनीमा का नाम है दिनीस हनेमा, हनेमा डिनीस। सो अब स्कोर कार्ड बन रहा है नीदरलैंड का, देवेंद्र है। हेलो पूजा हाउ यू, स्कोर कार्ड का वेबसाइट क्या हाल है सर जी। वुमेन आर ए फिट फॉर टेस्ट मैचेस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट आई थिंक दे इफ दे प्ले टी आई मीन टेस्ट मैचेस, आई एम श्योर दैट दे गोइंग टू यू नो इन द टेस्ट मैच इन जस्ट couple of over, I mean in just 2 days, I think it will not take even take 2 days, I think in one day the game will be over.
वुमेन्स फिट फट हाय अनिल भाई, सुजेल जी का कहना है हाय सर कितने रन हो गए भाई। 27 रन बन चुके हैं और 8 ओवर 3 गेंदे हो गई हैं, 8 ओवर 1 गेंद हो गई हैं। हाय सुजेल जी कितने रन हो गए, आई स्पिन क्रिकेट इन्फो पे देखो। ओके सर क्या कर रहे हैं, सर कुछ नहीं कर रहे हैं यार। ओके सुप्रिया, यू विल फाइंड द टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लाइव स्ट्रीमिंग करो यार क्रिकेट वर्ल्ड जी। आई थिंक आपको यहाँ पे इतनी अच्छी कमेंट्री मिल रही है, आई डोंट थिंक सो यू शुड गो एनी वेयर, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू आर गेटिंग राइट नाउ इन यूट्यूब। प्रवीण जी वेलकम टू अ ब्रॉडकास्ट, हनुमान जी वेलकम है भाई, सकपाल भाई कैसे हैं आप, कल रात के गेम में मज़ा आ गया था वैसे, आई थिंक आप रात के गेम में थे। ओके हु विल विन प्रशांत, आई थिंक दिस गेम इज़ गोइंग टू विन बाई थाईलैंड, काश ये हमें नेमा ही डेवेंटर। केसम भाई हनेमा नहीं है सर, कितने रन हो गए भाई, 29 रन हो गए, 8 ओवर 4 गेंदे हुई हैं। हनेमा किसी की टीम में भी नहीं है हाला प्ले में। ऑस्टिन भाई दिस इज मैच इज़ नॉट अवेलेबल इन ड्रीम ड्रीम ड्यू टू इनसफिशेंट इन्फॉर्मेशन। ओके लाइव मैच है, नहीं भाई आई लव यू विनिंग गुरु जी भाई। डी हनेमा डिनीस वैन डेवेंटर सेम प्लेयर है। ओके भाई लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर भाई तुम्हारा नाम। सुप्रिया माई नेम इज़ चंदन, इट श्योर प्रो। ओके लेट्स सी प्रशांत, आई थिंक मे बी शी कैन बी दी बे शी कैन बी दी डेवेंटर। भाई सीरियसली मैं भी इनसे अच्छा खेलूँ, जोक्स अपार्ट यू आर एब्सोल्युटली राइट यार। सुजेल भाई क्वेश्चन क्या है यार आपका, आपने आई थिंक सेम। सुधीर भाई आपका लाइव कर दो, कैसे लाइव कर दें यार, मेरा नाम भी ले लो सुबीर। ओके सुधीर शेखर जी वेलकम टू अवर ब्रॉडकास्ट भाई, लोग इनको वेलकम कर दो यार एक बार। नाइस कमेंट्री ब्रो प्रशांत जी, थैंक यू सो मच प्रशांत ब्रो। मैं पूछ रहा तुमसे कि वो सेम प्लेयर है कि नहीं। वेल विशाल भाई मुझे नहीं पता यार उसका, मुझे नाम पता है डिनीस हनेमा, वो नाम मुझे पता है, सो आई नो दैट्स इट। लकी क्रिकेट प्रिडिक्शंस, आई थिंक दिस गेम इज़ गोइंग टू विन बाई थाईलैंड, लव यू ब्रो, लव यू हनुमान सतपाल भाई। हेलो रितीश मेहता भाई, अंकित जी वेलकम है, हाय कैसे हो, कौन सा विन, दत्ता जी थाईलैंड, अंकित जी भाई डिनीस डेवेंटर हनेमा। ओके डिनीस हनेमा ही डेवेंटर है 101%। ओके थैंक यू सो मच भाई, मेरा नाम सुब्रता दास, माई वाइफ इज सुप्रिया दास। ओके वेलकम टू अवर ब्रॉडकास्ट सुब्रता, हाउ आर यू ब्रदर, लाइव प्लीज़ नो लाइव, हाँ भाई सेम प्लेयर है, नाइस कमेंट्री, यो वेलकम भाई। हेलो सर जी, नीरव जी वेलकम टू अवर ब्रॉडकास्ट, सुजेल सर और मैच लाइव करोगे ना, बिल्कुल यार सारे मैचेस लाइव करेंगे, आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइज एज वेल। मेरे भाई कैसे हो, आई एम बढ़िया बढ़िया। सुधीर भाई आप कैसे हो भाई, ये मेरा नाम अंकित, अंकित पंडित जी वेलकम टू अवर ब्रॉडकास्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। भाई आउट नहीं होंगे अब, यही मेरे ख्याल से 20 ओवर तक खेल ले जाएंगे। केमोन आसे नामी भालो दादा, तुम ही केमोन आसो। नारेन जी कह रहे हैं कि यहाँ पे विकेट जाएगा, नहीं भाई अभी विकेट मत जाने दो, लेट देम प्ले। ओके प्लेइंग 11 बताओगे ना, लेट्स सी भाई, इफ आई विल गेट द प्लेइंग 11 आई विल डेफिनेटली गिव यू द प्लेइंग 11। भाई इंडिया अंडर 19 बांग्लादेश अंडर 19 कौन जीता, क्लैश विथ इंक्रेडिबल्स, इंग्लैंड अंडर 19 कल का मुकाबला जीत गया बारिश, 5 ओवर में 56 रन चाहिए थे लास्ट के 5 ओवरों में, तो इंग्लैंड ने बना दिया मुकाबले। भाई अब कौन आउट होगा इसमें से, अंकित भाई अगर इन दोनों में से हम बात करें तो मुझे लगता है हनेमा आउट होगी इसके बाद। आदित्य आई डोंट प्ले एनी फैंटेसी साइट्स ब्रदर, आई थिंक आई लव दिस थिंग सो। ओके भाई आर यू हाउ मच स्कोर, आई थिंक दे गोना स्कोर समवेयर 70 रन और मे बी 50 रन्स, आई विल टेल यू वंस दिस गेम विल गेट गेट ओवर। भाई आप कहाँ से हो भाई, आई एम फ्रॉम यूपी वाराणसी। देशमुख जी या यू आर राइट, डीएलएस मेथड सही जीत हुआ। टारगेट विद धीरज, मैं बढ़िया भाई आप कैसे हो, SIT इतना रन कम हुआ। शिव जी थैंक यू सो मच, 29 रन हो गए गाइस, 9 ओवर 3 गेंदे हो गई हैं, मेरे ख्याल से ये गेम जो है काफ़ी बोरिंग हो चुका है, तो 9 ओवर 3 गेंदे 30 रन केवल और 4 विकेट गिरे हैं।
আমার ওয়াইফ আপনাকে আই লাভ ইউ বলছে। ওকে মাহিম ভাই, থ্যাংক ইউ। ওকে গ্রেট, হোয়াটস ইয়োর ওয়াইফ নেম? মাহিম ভাই, হানিমা বচ গই, বিলকুল, শি, লেটস সি, হানিমা, ওকে বচ গই ভাই, ইউ আর অ্যাবসোলুটলি রাইট। জো ভাই আখরি উইকেট, 4 উইকেট হো গে, বতা দূ আপকো, और चौथा विकेट निकाला है यहाँ पे काम चोम्पू ने निकाला है, किसी की कैप्टन थी। नीदरलैंड विन दिस मैच, विने आई डोंट थिंक सो, नीदरलैंड इज़ गोइंग टू विन द गेम, आई थिंक थाईलैंड इज़ गोइंग टू विन द गेम। गई भाई एक और गई भाई, भाई थाईलैंड में, नीदरलैंड में लाइव स्कोर ESPN पर। आर अभिषेक जी आप यू आर राइट। सो गाइज नाउ द अपडेट इज दिस, 30 रन 4 विकेट। यार लेट्स, अच्छा हुआ आउट हो गई, तो मेरे ख्याल से जल्दी गेम ओवर हो जाएगा, और भी अच्छा मार लिया है क्योंकि कुछ देने वाले तो है नहीं है। सो या अनिल जी आपने कहा था कि 67 पे ऑल आउट हो जाएगी, अमन जी कह रहे हैं 70 रन पे ऑल आउट। सोचना सुचोना सरकार माई वाइफ ने, ओके थैंक यू सो मच सुचोना सरकार जी, और महीम जी आपका भी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। तुम्हार बाड़ी को था महीम अहमद दादा, तुमने किसे किस में लगाई है मैच? केशम भाई मैंने कहीं पर भी नहीं लगाया। ओके सो नाउ पूजा स्ट्रीमर डोंट डू दिस थिंग बिकॉज आई हैव टू हाइड यू फ्रॉम माय चैनल वंस इफ यू विल डू वन मोर टाइम। So John Joseph says 90 runs all out. Okay, let's see. John, I think they're gonna score somewhere 70 runs, and maybe they will not able to score 70 as well. I believe now they will able to only score somewhere 60 or maybe 50 runs. Bhai Ankit ji, abhi jo last wicket giri hai, main aapko bata du, last wicket out hui hai Van Begu, जो कि रन आउट हो गई इसी थ्रूंग की गेंद पे। अगर थाईलैंड जीते, ड्रीम इलेवन भाई आज थाईलैंड ही जीतेगी यार, आप टेंशन क्यों कर रहे हो, वही जीतने वाली है आज मेरे भाई। भाई आप कहाँ से हो भाई? मैं यूपी से हूँ यार, 55 से नहीं ज़्यादा बनेगा। यू आर राइट, 70 पे ऑल आउट। रोहोल जी कह रहे हैं कि 70 पे ऑल आउट बांग्लादेश ढाका, ओके आई लव ढाका ब्रदर महीम। I know few of the places. I think Dhaka and Chittagong both, and I think one more place. Komila, Komila, I love Komila. कौन जीतेगा यासिर भाई? थाईलैंड जीतेगा यार। भाई ये बताओ डिनीस वैन डिवेंटर, हाँ भाई सही है, डिनीस वैन डिवेंटर वही है। भाई नवनीत जी मैं यार यूपी वाराणसी से, ड्रीम इलेवन वालों ने तो मैच ही बंद कर दिया। सही करा यार। खेल रही है विनय भाई, आपकी डेवेंटर खेल रही है भाई। लास्ट कैच, लास्ट रन आउट हुआ था भाई, जो रन आउट की अगर हम बात करें। ओके इरफान जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, आई थिंक थाईलैंड इज़ गोइंग टू विन, सो यू विल गेट दैट 10,000 rupees इन योर अकाउंट। सो इरफान गाइज आप लोगों को बता दूँ, आप लोग मुझे भी हेल्प कर सकते हैं। आप लोग हेल्प करने के लिए करना क्या है, आप लोगों को एक छोटा सा स्मॉल डोनेशन करना है मेरे चैनल के लिए। आप लोग कैसे कर सकते हैं बता दूँ आप लोगों को, आप लोगों के ऑप्शन चैट में दिख रहा होगा डॉलर का साइन, आपको डॉलर के साइन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पर सुपर चैट का ऑप्शन लिखा आ रहा होगा, सुपर चैट पर क्लिक करते ही आपको जितने भी रुपए डोनेट करना चाहते हो आप मेरे चैनल को, वहाँ से आप डोनेट कर सकते हो। टुडे विन, टुडे का को जीतेगा प्लीज़। रुकाया जी इफ़ यू टॉक अबाउट दिस गेम, आई थिंक थाईलैंड इज़ गोइंग टू विन द गेम। इसमें तो हानेमा लिखा है, विनय जी हानेमा लिखा है, लेकिन उसका नाम हानेमा वैन डेवेंटर है पूरा। ओके सर कौन जीतेगा? सुजेल थाईलैंड जीतेगा, लास्ट रन आउट है भाई। सचिन जी यार ये वुमेन्स गेम है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। विशाल विशाल भाई आपको डॉलर का साइन नहीं दिख रहा, आपको करना क्या है, आपको
लाइव चैट जहाँ पर आप लिख रहे हो वहीं पर आपको उसके ठीक सामने में डॉलर का साइन आ रहा होगा। जैसे आप डॉलर के साइन के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सुपर चैट लिखा हुआ आएगा। 5 आउट हो गई क्या? 4 आउट हुई है भाई, रवि कुमार भाई। और भाई थाईलैंड में सारे बढ़िया हैं, थाईलैंड का कोई भरोसा नहीं है। रुकाया जी, आयरलैंड और स्कॉटलैंड की बात करें तो आयरलैंड इज़ गोइंग टू विन द गेम। वैन अर्कल, ओके वैन आर्कल एयर विकेट जाइबो एहून, ओ लेट्स सी दादा एहून आउट हो बो ना नहीं। स्कोर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? विराट भाई आगे ही बढ़ रहा है यार। रेन है क्या? नहीं, रेन नहीं है। ओके लेट्स सी, रेन तो नहीं है मेरे ख्याल से इस मुकाबले में। तो फाइनली 9 ओवर 4 गेंदें हुई हैं और 30 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ओके आगे क्यों नहीं, स्कोर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? 9 5 5 विकेट। ओके लेट्स सी भाई, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बारिश वारिश आने वाली है इस मुकाबले में। स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें, रन रेट की, तो फिलहाल 3.1 रन की रन रेट से बन रहा है। विकेट होने वाला होगा, लेट्स सी भाई। विकेट रन को तो दादा शारिफ एहून 30 रन हुई से 4 विकेट गए से। और सो गाइस आई थिंक एक और विकेट जाने वाला है जिस हिसाब से रन रुका हुआ है। 5वीं गेंद यहाँ पे नहीं हो रही है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक और, मेरा भी नाम ले लो भाई, पूजन कुमार यादव जी, वेलकम टू आवर ब्रॉडकास्ट ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। सो गाइस फैमिली प्लीज वेलकम दिस मैन, पूजन जी का स्वागत है भाई। भाई आज मैं बल्लेबाजी में 3,000 लगा दिया हूँ। सुधीर भाई आप यार 3,000 लगाए को 50,000 जीतोगे। जस्ट ओके सो जय श्री राम भाइयों। और मुझे लगता है यहाँ पे गेम के देखते हैं क्या सीन है। 5वीं गेंद हो ही नहीं रही सो मेरे ख्याल से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। फिलहाल रेन तो नहीं दिखा रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा भाई। मैच की बात करें तो मुझे लगता है यार ये मुकाबला मुझे ये लगता है ये मुकाबला नीदर सॉरी थाईलैंड जीतेगी। नो रेन जीत रहा हूँ आज फाइनली। आयान जी आप जीतोगे आज फाइनली क्योंकि आज आप मेरा चैनल देख रहे हो इस वजह से। भाई गेम स्टार्ट होगा यार, थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। साथी रुंग रन आउट किया, हाँ भाई सुथी रुंग ने आउट किया। स्कोर विनोद गोपानी सो गया क्या? या मुझे भी लग रहा है यार सो गया। 9 ओवर 4 गेंदे हुई है, हैवी बारिश इसलिए 2 ओवर बंद रहेगा। ओके डी डेविडर प्लेइंग, रामन्ना शी इज़ प्लेइंग। सो गाइस द अपडेट इज़ दिस, 5वीं गेंद से पहले अगर हम डेवेंटर की बात कर रहे हो तो डेवेंटर में थोड़ी सी मेरे ख्याल से बरसात आई है तो इस वजह से गेंद बारिश आने वाला है। भाई रोहित जी बारिश आ गया है सो आई टेक दिनेश हनेमा। ओके दिनेश हनेमा इज़ द सेम प्लेयर। ओके क्रिकिन अनिश जी लुक माई आईज। सो गाइज द स्कोर इज 9.4 ओवर्स द रन रेट। मंजू वेलकम टू आवर ब्रॉडकास्ट। बिल्कुल यार बारिश हो रही है, लेट्स सी क्या होता है कुछ देर के बाद। 4 नंबर पे विकेट, कौन सा विकेट? बॉलर कोई नहीं विकेट निकाला भाई। भाई मेरा नेटवर्क स्लो नहीं है यार। जो लास्ट विकेट हुआ आउट हुआ था वह है रन आउट हुआ था, सुथुरुंग ने रन आउट किया था गाइस, बता दूँ आप लोगों को। अमेजिंग फैक्ट्स विद सुमित, ओके लेट्स सी इफ शी इज़ गोइंग टू टेक द 4 विकेट्स और नॉट। आई डोंट थिंक सो, शी इज़ गोइंग टू टेक 4 विकेट्स इन दिस मैच। आयरलैंड और स्कॉटलैंड में अगर हम बात करें तो मुकाबला वो वाला जीतेगी आयरलैंड की टीम। आयरलैंड हैव अ वेरी गुड साइड। ओके सो ওইদি কে বারিশ আইছে দাদা, বৃষ্টি পড়তে আছে নেদারল্যান্ডে। তেরা বাত ক্লিয়ার নহি হো, কিউ নহি আ রহা?
Why I'm not sure. I think maybe your network is not fine. That's why. So guys, Sumit player, D Devender or D Hanema, both is the same player. Takina Dada beastie aitese. Rain start guys. It's raining in Netherlands. If we talk about this game. भाइयों बता दूं आप लोगों को 6 विकेट गिर गए हैं यार, और 33 रन हो चुके हैं 12 ओवर 4 गेंदों पे। इंडिया वेस्ट इंडीज सेकेंड ओडीआई कौन जीतेगा भाई? इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो यार इंडिया मुकाबला जीतेगी, और आप देख सकते हैं जो स्कोर है अचानक से वेर। सो दादा गेम तो स्टार्ट हो गए से, 6 विकेट चले गए से, 12 ओवर 5 गेंदा है। एवं दुईटा विकेट निलो बोचैंतन ने 2 विकेट लिया है, 1 विकेट लिया है टिपुच ने, लेओमी ने 1 विकेट लिया है और 1 विकेट रन आउट हुआ है गाइस। सचिन जी आपने बिल्कुल सही कहा यार, बारी बारिश यहाँ पे विकेटों की हो रही है। दादा आमी आमी इंडिया था कि आपने कोई था कि दादा आमी इंडिया कबड्डी में कौन भाई? कबड्डी की नहीं, कबड्डी की मैं नहीं जानता यार भैया, तुम्ही की बांग्ला कथा पारो। आमी बोलते पारी रुकाया ना है बहालो करी, आमी बांग्ला बोलते पारी। ओके केंट समरसेट कौन विन होगा? वेल केंट और समरसेट की बात करें तो समरसेट मुकाबला जीतेगी। थाईलैंड का ओपनर कौन? रोहित भाई आपको थाईलैंड का ओपनर भी पता चल जाएगा यार। भाई स्कोर कार्ड वंस, ओके भाई मैं आपको बताता हूँ। अरे भाई तू बंगाली? आमी बंगाली नहीं यार, मैं बंगाली नहीं हूँ। ओके हाय रमेश जी, वेलकम टू अवर ब्रॉडकास्ट भाई, आप काफ़ी दिनों बाद आए यार, कैसे हैं आप? ऑस्टिन भाई बिल्कुल यार बारिश में ही खेल रहे थे। रमेश जी कैसे हैं आप? आमी ओ इंडिया था कि अपनी कोई सिटी था कि आमी यूपी वाराणसी ले था, वाराणसी था कि आपने की बाजी दौरान क्रिकेट? ना ना आमी बाजी दौरी ना, ब्रैम्पटन और विनीपेग में। ओके सत्येंद्र जी दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट ब्रदर। आई थिंक इन ब्रैम्पटन एंड विनीपेग, आई थिंक ब्रैम्पटन इज गोइंग टू विन द गेम। गुजरात और मेरे ख्याल से गुजरात और उसका गेम होगा तो गुजरात जीतेगी भाई। ओके बीना सिंह जी वेलकम टू अ ब्रॉडकास्ट, हाउ आर यू? आनी जी केंट और समरसेट में, समरसेट जीतेगी और ब्रैम्पटन जीतेगी भाई। एक के वेनेट माई वाइस कैप्टन सराफत जी, दादा भात खाई सो ना की? ना ना आमी खाइलम ना हूँ, खाबो अल्प पोरे खाबो, तुम्ही खाई सो ना की? के सुन कुमार जी कह रहे हैं नहीं भाई अभी नहीं हुआ, आई होप दैट जल्दी हो जाए। खाना ना ना अभी नहीं। ओके सो गाइज रमेश जी आप कहाँ हैं, चले गए क्या? आपने एक ही कमेंट करा उसके बाद आई डोंट नो वेयर हैव यू बीन। उज्जवल ना 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 ओके आउट हो भाई, तोर बारी कोई आमार बाड़ी यूपी भाई। प्रोजेक्टेड स्कोर क्या बताएं यार, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे नीदरलैंड की टीम है जो 50 रन भी बना पाएगी, 40 के अंदर ही ना ऑल आउट हो जाए। ओके फिफ्थ सिके 6 विकेट भाई, पांचवा और छठा डिंडीगुल और चेपॉक में, भाई डिंडीगुल जीतेगा यार। फिफ्थ और सिक्स विकेट की बात करें तो पांचवा विकेट लिया था टिपुच और लेओमी ने, और 1 विकेट रन आउट हुई थी, 2 विकेट रन आउट हुई हैं, सुथी रुंगोंग ने आउट करा है दोनों दोनों। प्रोजेक्टेड स्कोर आई डोंट थिंक सो 70 भाई होने वाला है गोविंद भाई। मेरे ख्याल से अब जो स्कोर ज़्यादा ज़्यादा बनेगा, मैक्सिमम स्कोर देखिए स्कोर थाईलैंड समवेयर 90 रन्स, बट आई थिंक दिस इन लड़कियों को इंटरनेशनल प्लेयर किसने बनाया यार? ऑस्टिन भाई यार आई थिंक वी हैव टू गो एंड आस्क टू दिस क्रिकेट प्लेयर्स वाई इवन दे आर प्लेइंग क्रिकेट। सो गाइस 13 ओवर 3 गेंदे हो गए, 39 रन 6 विकेट के नुकसान पे। सो हाउ आर यू गाइस? भाई आप 100 रुपये बोल रहे थे स्टार्टिंग में। भाई 100 बोल रहा था यार, बट
आई थॉट बी लीड अच्छा खेलेंगी, बट मुझे नहीं लगता कि अब 40 रन भी बन, सॉरी 50 भी बन पाएगा। नेटिव लैंड को था ही, हमार नेटिव लैंड यूपी वाराणसी। 60 से ज़्यादा नहीं बनेगा, ओके लेट्स सी। आई थिंक 60 तो नहीं बनेगा यार मेरे ख्याल से। सातवा विकेट गिर गया गाइस, स्पीक इन इंग्लिश। रिमैना नाउ सेवन विकेट हैज़ बिन ओवर। वी टॉक अबाउट दिस गेम, 13.4 ओवर्स, 39 रन्स एंड 7 विकेट्स। ऑस्टिन पेक अभी उतार के देखो पिच पर। विकेट कौन कौन प्लेयर में मिला भाई? विकेट अंडर 60, ऑल आउट 50 भी नहीं बनेगा। बिल्कुल यार सचिन जी, आपने सही कहा, 50 कहाँ बनने वाले, 50 की आएगी तब पता चलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो यार, ये पता नहीं गेम खेल रहे हैं या फिर ऐसे मजाक कर रहे हैं वहाँ पे खेलते खेलते। आखिरी जो विकेट है बता दूँ आप लोगों को, लेओमी ने यहाँ पे दूसरा विकेट निकाला है गाइस। रमाना आई एम गुड, हाउ यू? ओके सो इस विकेट को, इस विकेट नो देनी। क्या है इतना स्लो बॉल डालते? नहीं है यार, अब तक अकेले खेलेगी भाई डेवेंटर, और लास्ट तक खेलेगी भाई, उस ऐसे ही खेल रही है भाई। 50 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएगी, आप लोग टेंशन मत लो। और ये गेम बता दूँ आप लोगों को, 4 बजे से पहले ख़त्म हो जाएगा। मिहिर खिया नहीं, हाय ब्रदर हाउ यू, हम भी इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएं यार। बिल्कुल यार आप लोग बनोगे। तमिलनाडु में कप कौन उठाएगा भाई? तमिलनाडु का नहीं पता यार, अभी तो इस गेम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस खेल से ज़्यादा हमारी गली क्रिकेट में ज़्यादा। रंजीत जी आपने सही कहा यार, ना यही माँ बहन। एनी जी ओके सो ऑस्टिन अभी 70+ चाहिए तो मुझे खेलना जाना पड़ेगा। ओके भाई जा सकते हैं आप, यहाँ पे 100 रन बनाकर आ जाइए नीदरलैंड वुमेंस की ओर से। तो गाइज आप देख सकते हैं फिलहाल 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 40 रन और 7 विकेट के नुकसान पे। रायन इप्रोलिया सेज, अरे देखो तुम 100 होगा ये स्कोर। वेयर आर यू फ्रॉम? वेल रमैना आई एम फ्रॉम यूपी, फ्रॉम वाराणसी। वेयर आर यू फ्रॉम? ओके गाइज आप लोगों को बता दूँ, यू गाइज कैन, 14 ओवर, 1 गेंद हो चुकी है। सतेंद्र जी आयरलैंड ही जीतेगी वो मुकाबला। गोविंद जी कह रहे हैं 70 बनेंगे। गोविंद जी मुझे नहीं लगता 70 बनेंगे यार, 8,000 कौन जीतेगा? 8,000 कौन सा गेम है यार? देखो तू सही कितना स्कोर है भाई, स्कोर 42 रन है 7 विकेट के नुकसान पे, 14 ओवर 2 गेंदे हो चुकी हैं। तो कितने लोगों को अभी भी लगता है गाइस कि नीदरलैंड ये मुकाबला जीतेगी? आप लोग अपना अपना कमेंट कर सकते हैं लाइव चैट में, आपको सुपर चैट का ऑप्शन आ रहा होगा वहाँ से कर सकते हैं। भाई बंगाली इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई कैन स्पीक एनी लैंग्वेज। इफ़ यू वांट टू स्पीक टू मी इन इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक टू मी हिंदी, इन हिंदी, इफ़ यू वांट टू स्पीक टू मी इन भोजपुरी आई कैन स्पीक। आई इफ़ यू वांट मी टू स्पीक टू यू इन तेलुगु, सॉरी इन मलयालम, आई कैन स्पीक इन मलयालम एज वेल। आई एम फ्रॉम इंडिया इन आंध्र प्रदेश। ओके रमाना दिल्ली, यू फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ओके ग्रेट। सो वेयर आर यू फ्रॉम इन आंध्र प्रदेश? आर यू फ्रॉम सिकंदराबाद? और आई हैव लिव्ड इन आंध्र प्रदेश इन सिकंदराबाद। सो ब्रैम्पटन वुल्फ्स विनीपेग हॉक में कौन जीतेगा? रूहोल भाई ब्रैम्पटन वुल्फ्स जीतेगी भाई, राजस्थानी। ड्रीम 11 भाई राजस्थान में कभी, आई नेवर बीन टू राजस्थान, बट वंस इफ आई विल गो टू राजस्थान आई एम श्योर दैट आई एल एबल टू लर्न राजस्थानी एज वेल। इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वाइट मी आई कैन कम टू योर प्लेस एंड आई कैन स्टे फॉर कपल ऑफ डेज, देन आई कैन लर्न राजस्थानी एज वेल। ओके सो लेओमी कितना विकेट लाया? विनिंग भाई 1 विकेट लिया है लेओमी ने, विकेट गेगी मेरी जान। 3 बॉल 2 फोर, ओके रुकाया जी कह रहे हैं 3 बॉल 2 फोर, ओके भाई। कुमार मेघराज सिंह जी, ओके थैंक यू कुमार मेघराज जी, हमें भलोवासी सौभाग है। कैन टॉक इन गुजराती, केम छो शुभम दादा मजामा भाई, बताओ ना कौन अच्छा खेलता है, कौन से नंबर भाई सभी अच्छे।
हेलो रमेश भाई, रमेश खाने जी, वेलकम टू अवर ब्रॉडकास्ट भाई। हाउ आर यू रमेश ब्रदर? देन यू हाउ कैन यू स्पीक त्रिपुरास लैंग्वेज? इट्स नॉट प्योर बंगाली लाइक कोई एसोस कितास कोरस। प्लीज़ आओ, राजस्थानी कल्चर वेलकम। डेफिनेटली आई विल कम टू राजस्थान ब्रदर, एंड डेफिनेटली आई विल मीट यू। व्हाट्स योर नेम? ड्रीम इलेवन एक्सपर्ट। आई एम गुड, यू? रमेश जी, आई एम वेरी गुड ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वन मोर टाइम। आई थिंक कि आप कल के मुकाबले में भी नहीं, यू हैवेंट केम लाइव यस्टरडेज मैच एज वेल। वी वर ब्रॉडकास्टिंग द गेम बिटवीन इंडिया अंडर 19 एंड दी इंग्लैंड अंडर 19 गेम विच वॉज हैपनिंग लास्ट नाइट। यू शुड हैव ज्वाइंट दैट मैच, दैट वॉज जस्ट अमेजिंग गेम। आई थिंक वी हैव वॉच्ड। बाय द वे, व्हाट आर यू डूइंग रमेश भाई? वेस्टर्न स्टॉर्म, लैंकशायर थंडर, मैं नॉट श्योर भाई। अनिल चौधरी, ओके भाई। अनिल भाई, अगर मैं आया तो डेफिनेटली यार आई विल मीट यू। बेनेट को ओपन करने क्यों नहीं भेजा नीदरलैंड ने? बेनेट यार, आई एम नॉट श्योर, भेज सकते थे। वीरू पांडे जी, हाय ब्रदर, हाउ आर यू? 109 स्कोर, डू गुड गेट गुड। रमेश जी, आपने कोई गेम पर लगाया है या फिर आई मीन बेटिंग वगैरह? ड्रीम इलेवन की टीम कुछ बनाई है इस मुकाबले के लिए? ओके, यू वेटिंग फॉर माई नंबर? ओके, व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन गिव यू माई टेलीग्राम लिंक, सो यू गाइज कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ओके गाइज, एंड आई थिंक सो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल गाइज। यू गाइज कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल वेयर यू विल फाइंड एवरीथिंग। रमेश भाई, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ब्रदर, एंड एवरी वन हु वॉन्ट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, यू गाइज कैन ज्वाइन। रुहोल भाई, इंडिया और बांग्लादेश अंडर 19 में बोथ कैन विन, आई कैन प्रडिक्ट, आई विल वॉच दैट गेम। आना जयपुर और मुझसे कॉन्टैक्ट आप घर पे। सब्सक्राइब टू योर चैनल, ओके, यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, ओके, सो यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू योर चैनल, सो योर नेम इज़ आई मीन यू हैव द सेम नेम ऑन माई चैनल इज़ राजेश खाने, और इज़ देयर एनीथिंग एल्स? यू कैन लेट मी ने रमेश भाई, इफ़ यू हैव द सेम नेम इन द टेलीग्राम एज वेल, सो आई कैन मेक यू एडमिन ओवर देयर, सो वी कैन स्पीक। तो गाइस, आठवां विकेट गिर गया, बता दूं आपको। वेल भाई, मैं विनर बताता हूँ कौन जीतने वाला है गेम्स, ये बता सकता हूँ आप लोगों को। ओके, समरसेट एंड केंट, आई थिंक समरसेट इज गोइंग टू विन द गेम। रमाना, ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर एस ए ब्रदर। ओके, सो हाउ कैन आई मीट यू रमाना? आई थिंक आई एम नॉट श्योर, आई थिंक वी कैन मीट वेन एवर आई कम अगेन इन विशाखापट्टनम। आई वेंट देयर लास्ट वीक, सो वंस आई विल कम नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली कम टू यू। भाई, आपने रिप्लाई नहीं किया प्रीवियस कॉमेंट। ड्रीम इलेवन भाई, आप एक बार फिर से कॉमेंट कर दो, आई थिंक मैंने वो कॉमेंट नहीं देखा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। जल्दी ज्वाइन करो भाई, नहीं फिटनेस बना दूंगा। टेलीग्राम में बताओगे क्या? देशमुख भाई, मैं टेलीग्राम पे तो नहीं बताता, जो भी गेम मैं कवर करता हूँ आपको यूट्यूब पे मैं कवर करता हूँ, बट समटाइम्स अगर टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली आ जाता हूँ यार टेलीग्राम पे, लेकिन आई स्टे हियर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑन यूट्यूब। इसलिए मैं गेम के आधे घंटे पहले आता हूँ कोई भी मैच से पहले, क्योंकि मैं आप लोगों को बता सकूँ व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन। बलदेव जी, राम रमेश जी, आपका नाम रमेश उसमें है ना? चलो, मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको वहाँ पर एडमिन बना दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। आखिरी विकेट की बात करें तो रनआउट एक बार फिर से। रमाना, माय नेम इज चंदन। वेल
देशमुख भाई नहीं यार, आज मेरे ख्याल से एक ही गेम है तो मे बी मैं कर सकता हूँ। विजय यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल। हाउ दिस पॉसिबल भाई, इतना कौन वेबसाइट है? अच्छा कुछ पैसे, नाइस, थैंक यू सो मच अमजद भाई। भाई इसे जल्दी और पता है भाई, इससे जल्दी किसी और पर मैच है आज। वी डोंट हैव दिस मैच इन ड्रीम इलेवन, दैट्स वाई आई डिडंट बेट। ओके रमेश सर ओकोमचू, हाउ मेनी विकेट्स? ट्राई टू कवर द विटैलिटी T20। ओके आई विल ट्राई टू कवर। ओके सो रमेश जी, सो यू यूजुअली प्ले लाइक ओनली ड्रीम इलेवन? काम चोंपू हैज़ टुक जस्ट वन विकेट। सो गाइज यू कैन सी 8 विकेट गिर चुके हैं, 54 बने हैं। अमजद जी क्या कहना है? सुपर, थैंक यू भाई। अमन कुमार जी खेलते हैं, आई प्ले फॉर रैबिट। ओके एंड गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू डोनेट फॉर माई चैनल। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू डोनेट एनी थिंग, यू गाइज कैन डोनेट फॉर माई चैनल एंड थ्रू अ सुपर चैट। बल्लेबाजी एंड डॉट बॉल, सो डॉट बॉल व्हाट इज दैट? आई डोंट नो अबाउट डॉट बॉल। 8 विकेट किसने लिए भाई? 8 विकेट रन आउट हुई है। चंदन पटासानी जी बिल्कुल यार, मैं आयरलैंड और स्कॉटलैंड वाला गेम भी दूंगा तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बेनेट यार काफ़ी अच्छी बल्लेबाज है इसलिए नहीं आउट हो रही है। आप लाइव दिखाते हैं देख बहुत अच्छा लगता है। ऑल राइट अमजद भाई, थैंक यू सो मच भाई। आयरलैंड वुमेन स्कॉटलैंड वुमेन, हु विल विन चेस? चमन कैसा है भाई? हाय ब्रो आई एम फ्रॉम एपी। हाय अनुदीप ब्रो, हाउ आर यू? प्लीज़ ऐड टेलीग्राम चैनल, माय नेम इज़ राम। ओके रमेश भाई, डेफिनेटली आई विल ऐड यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज अ एडमिन। ओके वंस दिस दिस विल ओवर आई विल। सो योर नेम इज़ राम इन दैट टेलीग्राम, राइट? नो बडी इज़ अ लूजर ब्रदर, आई थिंक यू जस्ट नीड सम ऑफ द यू नो। ओके सो आई विल ऐड यू वंस दिस स्ट्रीम विल बी ओवर, देन आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट मोर एनी थिंग इफ यू वॉन्ट टू नो और एनी थिंग। आई विल ऐड यू एज अ एडमिन। और प्लीज़ गाइज, एनी वन वॉन्ट टू हेल्प माई चैनल, एनी वन वॉन्ट टू यू नो डोनेट टू माई चैनल, गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डोनेट। आप लोग डोनेट कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करना चाहते हो। तो आपको करना क्या है, डॉलर का जो साइन आ रहा होगा आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सुपर चैट का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जितना भी अमाउंट डोनेट करना है वहाँ से आप डोनेट कर सकते हैं। नवीन भाई, आई थिंक इन दिस गेम थाईलैंड इज़ गोइंग टू विन। सो हाउ यू कैन डू लकी क्रिकेट प्रिडिक्शन इज़ यू विल फाइंड वेयर यू के यू आर जस्ट डूइंग दिस लाइव चैट, यू विल फाइंड दैट डॉलर साइन इन द राइट हैंड साइड, वेयर यू हैव टू क्लिक ऑन द डॉलर साइन ऑन द राइट हैंड साइड एट द एंड। यू विल वंस यू विल क्लिक ऑन द डॉलर साइन यू विल गेट ऑप्शन ऑफ सुपर चैट। एंड वंस यू विल क्लिक ऑन सुपर चैट देन यू कैन वट एवर मनी यू वॉन्ट टू डोनेट यू कैन डोनेट फ्रॉम देयर। ओके नाउ नो रेन गाइज, गेम इज स्टिल गोइंग ऑन। द रीज़न वाई यू नॉट सीइंग द लेटेस्ट अपडेट इज नो रेन गाइज। दादा की ओलो आसे नाकन की, मैच क्यों रुका है भाई? मैच इसलिए रुका है क्योंकि ऑल आउट हो चुकी है नीदरलैंड की टीम इस वजह से। श्योर आई कैन, नो रेन नो रेन गाइज गाइज नो रेन। स्कॉटलैंड आयरलैंड डेफिनेटली आई विल कवर दैट मैच एज वेल। सो
आ गई बारिश दादा, मैं मालूम। रन को तो होलो दादा, दादा रन 54 रन होलो, 8 विकेट गया है। लास्ट विकेट वॉज अ रन आउट गाइज। श्री ओके भाई, भाइयों यार बारिश तो आई है, मुझे भी पता यार। कैसे कह सकते हो रेन नहीं आई है? श्योर इस बार रेन यार। अमन यू कैन गो विद आयरलैंड, आयरलैंड इज गोइंग टू विन द गेम। क्यों लाइंग? आई एम नॉट लाइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ होप गाइज। डेविल किंग जी, आपने बिल्कुल सही कहा यार, खूब बरसो खूब। इट्स रेनिंग रेनिंग गाइज। नाउ द स्कोर इज 54 रन्स एंड लॉस ऑफ 8 विकेट्स गाइज। फिटनेस भाई, सबसे विकेट जो ज़्यादा लिया है अगर हम बात करें तो 2 विकेट निकाले हैं बोचैंथम ने और बाकी लोगों ने एक एक विकेट निकाला है। या श्योर रमेश, आई थिंक वी कैन वर्क फॉर द अदर गेम्स इफ यू वांट टू। डू यू हैव आई मीन व्हाट व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली? लाइक प्रशांत भाई, एक्चुअली द गे इट्स रेनिंग ओवर देयर। सो रमेश भाई, कैन यू लेट मी नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू डू? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ बिजनेस और यू वर्क और व्हाट यू डू एग्जैक्टली? नीदरलैंड में ही रहता हूँ। ओके फरदीन जी, आप नीदरलैंड में कहाँ पे रहते हो भाई? स्कॉटलैंड विल विन द मैच, देख लेना। ओके आई थिंक आयरलैंड इज गोइंग टू विन द गेम गाइज। हाय अमी भालो दादा, तुम्हें केमोन? आज नीदरलैंड जीतेगा और थाईलैंड 30 पे ऑल आउट। नहीं नहीं 30 पे ऑल आउट नहीं होगा फरदीन। ओके भाई, आपका कैप्टन नहीं खेला तो क्या हुआ? मैच डेफिनेटली होगा, मैच ही नहीं होगा? मैच होगा भाई, लोग टेंशन क्यों करते हो? हु विल टू विन टूडे? भाई आई थिंक थाईलैंड इज गोइंग टू विन एंड आयरलैंड इज गोइंग टू विन द अदर द गेम। बीना सिंह हाय, वेलकम टू आवर ब्रॉडकास्ट, हाउ आर यू? क्या हो गया एनी भाई? हिमांशु भाई बहुत तेज है यार। लुक माई आईज भाई, बारिश हो रही है यार। रवि कुमार मैच डेफिनेटली होगा। श्री भाई, अभी अभी मैच रुका ही है यार, एक बार ख़त्म तो होने दो बारिश को, उसके बाद गेम स्टार्ट होगा। शाहिद भाई, नीदरलैंड ये मुकाबला हारेगी, 54 पे 8 हो चुके हैं और थाईलैंड ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी करी है इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो। इफ़ आई एम इन प्ले ड्रीम 11 मैच वॉज अबैंडन्ड डी, व्हाट वॉज द रिजल्ट इट विल कम? वट नो रिजल्ट विल कम रघु, यू विल गेट द मनी रिफंड। सो अभी बारिश नहीं रुके भाई, बिल्कुल भाई लाइव पिक्चर्स हैं ये, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, हु विन? सारथ इंडिया विल विन। या श्योर वी कैन डू दैट, आई थिंक जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई थिंक आई विल जस्ट मेक यू एडमिन ऑफ टेलीग्राम चैनल वेयर यू विल बी एडमिन एंड यू विल बी डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू ऑन दैट चैनल। ओके बारिश रुकेगी भाई लोग, योर अमाउंट विल बी रिफंडेड। या यूर राइट रघु, लाइव मैच किस में आएगा? लाइव मैच यहीं पर आएगा भाई, रुकाया उफ रेन स्टार्ट। गाइज कल कौन कौन था मेरे साथ? इंडिया और
इंडिया और इंग्लैंड का अंडर 19 का जो मैच हो रहा था, कितने लोग थे इसमें से कल के मैच में? तो गाइस स्टिल रेनिंग ओवर देयर एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। भाई टोटल स्कोर है 54 रन 8 विकेट के नुकसान पे। मैच होगा यार, सन इज नॉट ओके, सन इज नॉट ओके, सन इज जस्ट इनसाइड दी क्लाउड्स। सो संकेत भाई अभी बारिश नहीं गया। सो गाइस स्टिल रेनिंग इन, रवि भाई अभी बारिश नहीं रुकी यार। मैच डिलेड रेन। डेवेंटर में काफ़ी तेज। आई विल हेल्प यू टुमारो, दैट्स ओके, यू कैन डू इट, दैट्स अप टू यू। आई विल गिव दैट चैनल टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दैट चैनल यू कैन डू इट। अच्छे चलेगा, थाईलैंड और आउट हो जाएगा। वेरी हैवी रेन गाइस, इट्स रेनिंग, इट्स पोरिंग डाउन इन नीदरलैंड। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है गाइस, आप लोगों को बता दूं नीदरलैंड में। बिजॉय बोरमोन, रेन स्टॉप हो दादा। रमेश भाई कैन यू हेल्प आवर चैनल बाई सेंडिंग अ स्मॉल सुपर चैट मनी? वेरी गुड, ओके, वाई वेरी गुड एम हाई, वाई इट्स गुड वेन इट्स रेनिंग इन नीदरलैंड। 54 पे 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 16.5। या अजीत भाई यार 10 ओवर होगा तो भी आराम से, मेरे ख्याल से इनको चाहिए होगा केवल 20 रन। ओके अनुदीप जी कह रहे हैं हाय ब्रदर, हाय ब्रदर, हाउ आर यू? बहुत तेज हो रही है भाई बारिश, पानी हो रहा है क्या? नवनीत जी बहुत तेज बारिश हो रहा है यार, इतना तेज हो रहा है कि बाहर ही नहीं निकल सकते, बहुत हेवी है। सनम रे अभी तो पता नहीं यार, देखो नीदरलैंड का कोई चांस नहीं है शाहिद भाई जीतने का। अनुदीप जी आई विल शेयर यू द ड्रीम 11 टीम बट यू हैव टू हेल्प आवर चैनल बाई जस्ट सेंडिंग अ स्मॉल डोनेशन। यू कैन डू अ स्मॉल सुपर चैट अमाउंट, देन आई विल शेयर यू द ड्रीम 11 टीम, और मे बी इफ यू वॉन्ट टू। नवनीत जी मैच होगा भाई। साहिद खोसो केमो नाशो दादा, टारगेट विद धीरज, भाई आप कहाँ रहते हो? भाई मैं यूपी में रहता हूँ यार। चांसेस ऑफ अबैंडन्ड, हाई चांसेस ऑफ अबैंडन्ड फॉर दिस गेम गाइज, वट एवर यू लाइक टू सेंड ब्रदर, बट लेट मी टेल यू दैट विल बी जस्ट ऑप्शन आई कैन गिव यू, यू नो अ गुड ड्रीम 11 टीम। नाउ इफ यू वॉन्ट टू मेक एनी चेंजेस प्लीज डू इट, बिकॉज वट हैपन्स इज आई कैन जस्ट गिव यू अ ऑप्शन राइट, एंड वट एवर यू थिंक कैन बी अ गुड कैप्टन, कैन बी अ गुड यू नो वाइस कैप्टन, यू कैन पिक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके या आई एम रमेश भाई, वंस दिस गेम विल बी ओवर, वंस दिस स्ट्रीम विल बी ओवर आई विल ऐड यू। ओके सैफ अली भाई बहुत तेज हो रहा है यार बारिश। हाँ यार रेन स्टॉप ड्रो, नो नो नो, रेन इज स्टिल रेनिंग गाइस। या हैव ग्रुप ऑल्सो, ओके वहाँ क्या टाइम है अब भाई? अभी तो बहुत टाइम है यार, बारिश रुक गई है। आई वॉन्ट मोर देन 50 GL, ओके मैडलाइन आई डोंट थिंक सो मैन।
I'm not sure. Match is cancelled. No, match is not cancelled yet. यार मुझे क्या पता था नहाने जाऊंगा तो बारिश होगी। अब तो मैच शुरू हो जाओ यार। भाई बारिश बहुत तेज हो रही है यार। पता है बस मैच हो या ना हो, कॉम्पोन्चू को 4 विकेट डालना बारिश है। हाँ भाई मैं ड्रीम 11 खेलता हूँ यार। समरसेट कैंट विन प्लीज, समरसेट विल विन नाहिद। आज कैंसर आई विल बी दी लकी पर्सन। ओके चेक माई ट्विटर जैक स्पैरो राइडर विजिट वंस। ओके मे बी कॉन्ग्रेट्स मेट इफ यू हैव वन 5 ग्रैंड लीग्स। आई थिंक यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। सो गाइज आई स्टिल रेनिंग इन नीदरलैंड। सो गाइज दिस इज़ द फर्स्ट टू सुपर चैट ऑफ द डे बाई रमेश खन्ना, सॉरी रमेश खने। सो ही हैज सेंट 20 रुपीज़ फॉर आवर चैनल। थैंक यू सो मच रमेश भाई, लव यू ब्रदर। सो गाइज दिस इज़ हाउ योर, वंस यू विल डू अ सुपर चैट दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक। आप लोग देख सकते हैं रमेश भाई ने पहला सुपर चैट करा है। इट विल कंटिन्यू फॉर अंदर हाफ एन आवर। बलदेव जी वेल डन, रमेश भाई ओके। और एनीबडी एल्स हु वॉन्ट टू शेयर गाइज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डोनेट टू आवर चैनल। How long will it continues? Well, I'm not sure. I think it will continue for. So please, how to send amount to your channel? Srinath, you can send amount by by. You have to see on. Can you see the dollar sign, Sri Vinith? Once you will see on the, once you will click on the dollar sign. You will see your two options. One is super chat, then you will see close option. So आपको क्या करना है, सुपर चैट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको अमाउंट आ जाएगा डालने का। सो फर्स्ट सुपर चैट बाई रमेश भाई, थैंक यू सो मच भाई एक बार फिर से। मैच होगा भाई लोग, मैच होगा यार। भाई बारिश आनी पड़ेगी यार, और 1 घंटे तब जाके मैच कैंसिल होगा। तो अभी तो बारिश हो ही रही है फिलहाल। सोलह ओवर 5 गेंदे हुई थी बारिश आने से पहले, और आप देख सकते हैं। ओके आई विल शेयर टेल माई टेलीग्राम नेम, ड्रीम 11 टीम अपडेट गिव यू। सो जो मैच नहीं हुआ तो इंग्लैंड जीत जाए, नीदरलैंड जीते? नहीं, भाई नीदरलैंड कैसे जीत जाएगा यार। डेवेंटर में गाइज अभी भी फिलहाल बारिश में भी रुकी हुई है, तो लेट्स सी। बारिश नहीं रुकी तो 50 रुपये भेजूंगा यार। ओके राजेश भाई, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड यू राइट नाउ, लेट्स सी इफ आई कैन डू इट विथ माय लैपटॉप। बारिश हो रही है अभी भी भाई, बारिश का अभी यार थोड़ी सी कम हुई है पहले से। मे बी गेम स्टार्ट होने के अब ज़्यादा चांसेस हैं।
भाई टारगेट विल बी सेम, आई थिंक देर विल बी नो कट ऑफ इफ द गेम स्टार्ट इन नेक्स्ट हाफ एन आवर। भाई संकेत भाई बारिश थोड़ी सी धीमे हुई है, पहले से रुकी पूरी नहीं है, वे भी हल्के हल्के बारिश हो रही है यहाँ पे। और प्लीज़ गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प आवर चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हेल्प आवर चैनल बाई जस्ट सेंडिंग अ स्मॉल डोनेशन ऑफ 20 रुपीज़ थ्रू योर सुपर चैट। अभी भी बारिश हो रही है यार। ओके, नीदरलैंड जीतेगा तू सौ दो। नीदरलैंड नहीं जीतेगा यार। स्कोर प्लीज़, पनेम नगराजू, द स्कोर इज़ राइट नाउ इज़ 54 रन्स एंड जस्ट 8 विकेट लॉस्ट। स्टार्ट हो गया गाइस, मैच स्टार्ट हो गया। आयान सिंह जी, लग ग्रहण लग गया भाई मेरी जीत में। अभी फिर से बारिश आ जाएगा, टेंशन मत लो आप। सो गाइस, फाइनली अ गुड न्यूज़, गेम इज स्टार्टेड। यो वेलकम भाई। 17 ओवर हो चुके हैं, 54 रन 9 विकेट के नुकसान पे हैं। नौ विकेट हो गए हैं गाइज। आखिरी विकेट की बात करें तो आखिरी विकेट यहाँ पे निकाली है लेवोमी। तो काफ़ी ख़राब बल्लेबाजी कहूँगा मैं नीदरलैंड वुमेन्स की ओर से, क्योंकि जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रही हैं। सो 17 ओवर 3 गेंदे हो चुकी हैं गाइज, और आपको बता दूँ 54 रन 9 विकेट के नुकसान पे हैं। दो ओवर 4 गेंदे, 2 ओवर 2 गेंदे और बाकी है मेरे ख्याल से। अब ऑल आउट 54 रनों पे ही हो जाएगी मुझे लगता है ऐसा। नवनीत जी आपने बिल्कुल सही कहा यार, 54 रन पे ऑल आउट हो सकती है यहीं पे। मेरे ख्याल से ऑल आउट हो भी गई है। तो गाइज ऑल आउट हो गई है, बता दूँ आप लोगों को, 54 रनों पे। आखिरी विकेट निकाला बॉचैंतन ने, जिन्होंने 3 विकेट निकाला है। टारगेट है थाईलैंड वुमेन्स के लिए 55 रनों का। लेट्स सी कितने ओवर में बना सकती है। तो हम मिलेंगे दूसरी इनिंग्स में गाइज।
यो वेलकम सौरभ भाई। पचास रन मारने वालों को भी क्रिकेट गेम चाहिए। हाँ चंदन भाई चलो चाय पी कर आते हैं। चलो यार अजीत भाई चाय पी कर आते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। एक मिला है, कौन मिला है? विराट भाई। अजीत भाई क्या लगता है अभी भी जीत सकती है नीदरलैंड की टीम या फिर अब कोई चांस नहीं है? दलवीर भाई बताओ। सन इज़ वेरी गुड बीना सिंह जी, सन इज़ वेरी गुड। अच्छा चाहे आज जस्ट वन विकेट ले हो मी टू। अनुज जी कह रहे हैं कि ना जीते, अब तो नीदरलैंड नहीं जीतेगी यार, कोई टेंशन नहीं, आप टेंशन मत करो। कोडेक एक्सप्रेस जी नो नीदरलैंड इज नॉट गोइंग टू विन द गेम, आई थिंक दिस गेम इज गोइंग टू विन बाई थाईलैंड वुमेन, दैट्स 100% श्योर, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द गेम एज वेल। लियोमी वन विकेट, अजीत जी लियोमी ने बिल्कुल यार एक विकेट ही निकाला, 9 विकेट रन आउट। शुभाम द्विवेदी जी थाईलैंड ओपनर नेम इज आई टेल यू चैंटम एंड चाई वाई, सो दीज आर टू बैट्समैन हु इज गोइंग टू स्टार्ट द इनिंग्स गाइस। हाँ इज द बेस्ट जेंटलमैन चाई वाई। ओके क्यों भाई नीदरलैंड बॉलिंग अच्छी है? नहीं है, नहीं यार नीदरलैंड की ना बॉलिंग अच्छी है ना बैटिंग अच्छी है, अभी तक दोनों का दोनों गेम हार चुकी है। ओके भाइयों यार क्वेश्चन टाइप करो यार, देखते हैं मज़ा आएगा। अभी थोड़े से क्वेश्चन टाइप करो, देखते हैं क्या क्या आंसर आते हैं आप लोगों के। ओपनर कौन आएगा? अनुज भाई अभी मैंने कमेंट कराया आपको ओपनर्स के नेम, चैंटम और छाई भाई ओपनिंग करेंगी थाईलैंड की ओर से। भाई आयरलैंड और स्कॉटलैंड वाला मुकाबला मुझे लगता है यार आयरलैंड जीतेगी, आपको क्या लगता है दलवीर भाई? चलो कोडेक भाई लेट्स सी, आई थिंक थाईलैंड जीतेगी मुकाबला। 3 नंबर या 4 नंबर पे खेलेंगे रायान पोलिया भाई, एक विकेट लिया सचिन भाई। हाय ब्रो आई एम चैतन्या कुमार टू यू रे टू यू एंड हार्बर फ्री चार्जेस फॉर सेविंग्स अकाउंट एंड ऑफ वेनका कॉलेज। यार स्कॉटलैंड और आयरलैंड वाला मुकाबला देखने में मज़ा आएगा, तो आप लोग यार जुड़ना ना भूलें, उस टाइम डेफिनेटली जुड़ेंगे। चंदन भाई आजकल अपने फर्स्ट रैंक पर आने चाहिए। हाँ बिल्कुल यार आप फर्स्ट रैंक पे ही आओगे दलवीर भाई।
हाँ भाई बताओ। अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं, चलो करता हूँ बाद में। अरे कोई नहीं भाई, अभी खाना खाता था, फोन लग रहा था उसका। चलो कर रहा हूँ, गेम खत्म होता है उसके बाद। चल, अरे अभी खाना खा रहा हूँ यार।
वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो दूसरी इनिंग सब कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है। तो लियोमी 2 विकेट लिया है। इनिंग कब ख़त्म हुई भाई? इनिंग को ख़त्म हुआ है, 10 मिनट हो गए। हसन अली जी, यहीं पर आपको लाइव वीडियो मिलेगा। अब बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको लाइव वीडियो मिलेगा, लाइव स्कोर कार्ड मिलेगा, सब मिलेगा आपको यहीं पे। अभी शुरू नहीं हुआ यार, एक रन आउट। रन आउट भाई, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस इनिंग्स में 3 रन आउट हुई हैं। लेओमी ने 2 विकेट निकाला है। भाई 1 विकेट उसने बोल्ड करा था, 1 विकेट आउट करा था और 1 कैच पकड़ा है। अमित भाई, लेओमी की अगर हम बात करें तो एक उन्होंने कैच आउट कराया था एल के बेनेट को, और एक लेओमी ने आउट करा था ज्वीलिंग को, पहली गेंद पे ही बोल्ड करा था। तो इन्होंने 2 विकेट निकाले हैं गाइस और 1 कैच पकड़ा है। हाँ हसन अली भाई, मैंने खा लिया यार। भाई थाईलैंड की मुझे लगता है 4-5 विकेट तो चली जाएगी 54 रन बनाने में। स्कोर कार्ड में एक बता भाई, स्कोर कार्ड में की अगर हम बात करें तो स्कोर कार्ड की इसलिए एक बता रहा है, 3 4 5 6 7, 7। और आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक्स है, तो मे बी आई थिंक वो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। 2 ली है पर स्कोर कार्ड अपडेट में आई है। भाई अभी 2 विकेट ऐड हो जाएंगे उसके थोड़ी देर में, 5 विकेट से ही जीतेगा। हाँ यार, थाईलैंड मेरे ख्याल से 5 विकेट से ही जीतेगा, उससे ज़्यादा से नहीं जीतने वाला है। रायन पोली विकेट गिरा भाई, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ। रायन पोलिया इरोप इरोपलिया भाई, मैन ऑफ द मैच की बात करें तो यार मैन ऑफ द मैच कोई भी ले सकता है, मेरे ख्याल से गेंदबाजी लेंगी। ज्वेलिंग कितना विकेट लिया? ज्वेलिंग का पता नहीं है। अनुदीप स्पीक इन इंग्लिश ब्रो। ओके, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन अनुदीप पुरी? कैन यू आस्क मी द क्वेश्चन सो आई कैन स्पीक इंग्लिश, एंड एल्स रेस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, दैट्स द रीज़न दैट आई डोंट स्पीक मच इंग्लिश ऑन द चैनल। मैच कब शुरू होगा उस्मान भाई? थोड़ी देर में मैच शुरू होगा भाई। कब होगी भाई चालू? रवि भाई, कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है ये गेम। नहीं भाई, अभी तो पानी कोई नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पानी होना कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी पानी हो सकता है। अभी चालू नहीं हुआ यार, आई होप। हाँ भाई, दोनों निकालें लेडीज को। हो गया है, ओके। कहाँ पर आपने देखा हो गया है भाई? गाइस दूसरी इनिंग और सुनाओ भाई, घर कैसा है आपके? सभी बढ़िया। रवि भाई आप बताओ। आप बताओ रवि भाई, कहाँ से हो आप? वेयर आर यू फ्रॉम? या मैच इज गोइंग टू स्टार्ट इन फ्यू मिनट्स आई बिलीव। केकेआर से हूँ, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स। गेम स्टार्ट हो गया गाइस, आप लोगों को बता दूँ 1 रन बन चुका है। ये पहली गेंद जो थी वह है वाइड गेंद।
ओके नाउ आई थिंक कुरुक्षेत्र से भाई जी। ओके लकी भाई अब स्टार्ट हुआ यार। अजीत हाय भाई कैसे हो। लकी भाई बिल्कुल यार, क्वेश्चन आपका कितने ओवर में जीते। नवनीत भाई अगर हम ओवर्स की बात करें तो मुझे लगता है यार लगभग समवेयर दिस मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 100 सॉरी 12वें या 14वें ओवर में जीतेगी थाईलैंड की टीम। तो 2 गेंदे हो चुकी हैं गाइस और 2 गेंदों में 1 रन बना है भाई, 11 ओवर में ख़त्म होगा। नहीं यार इतनी जल्दी तो नीदरलैंड भी जीतने नहीं देगी, थाईलैंड की भी टीम उतनी अच्छी नहीं है। अगर एक बार विकेट जाना स्टार्ट होगा तो धड़ाधड़ विकेट जाने लगेंगे भाई लोग। बिल्कुल रोहित भाई अभी 14 ओवर के आगे भी जा सकते हैं क्योंकि क्यों विकास दादा यह होता है प्रेशर पहली ही बॉल वाइड डाली के गेंद गाइस पहला चौका यहाँ पे लगता हुआ। अगर हम बात करें 4 गेंदों में 6 रन हो चुके हैं और पहला जो चौका लगाया है एन चैंथम ने लगाया है और स्ट्राइक में फिलहाल आई हैं छायोवाल। विकेट गया नहीं अभी भाई भी कोई विकेट नहीं गया है भाइयों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को हमारे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस का। कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, आपके आंसर्स तुरंत रिप्लाई किए जाएंगे। ओके 4 जाने वाला है दादा, बांग्ला जानो आमी बांग्ला भालो करे जाने ही। विकास दादा बफरिंग ज़्यादा हो रही है भाई। और रोहित भाई यार मेरे ख्याल से यहाँ से तो बफरिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ से तो लाइफ चल रहा है आपको स्कोर हुआ है गाइस 5 गेंदों में 7 रन, 5 रन पे खेल रही हैं चैंथम, चाय वाई खेल रही हैं 1 रन पे 1 गेंद बनाकर। ओके भाई आज केंट क्यों हारेगी बताओ, नॉट श्योर भाई क्यों हारेगी। 7 रन 5 बॉल 1 ओवर हो गए हैं गाइस, 8 रन बन चुके हैं अगर हम बात करें थाईलैंड वुमेन की तो। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो रन चाहिए 55 रनों की ज़रूरत है थाईलैंड वुमेन्स की टीम को। टॉस जीता था नीदरलैंड की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 54 रनों का स्कोर करा और पहले ओवर में ही 8 रन बना चुकी है थाईलैंड की टीम। तो देखते हैं, मुझे लगता है जिस हिसाब से स्टार्ट मिली है नीदरलैंड को भी काफ़ी अच्छी स्टार्ट मिली थी। पहले ओवर में उन्होंने बनाए थे 10 रन और दूसरे ओवर से विकेट गया जाना स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद विकेट ऐसे गिरे कि ऑल आउट ही हो गई। रोहित भाई 2 विकेट मिले हैं लेओमी को। भाई 3 विकेट निकाले हैं कोम चोम्पू की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसने निकाले हैं। हो यू गाइस हैव अ डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भाई। उसकी बात का बात करें कोम चोम्पू की तो मेरे ख्याल से उसने 3 विकेट निकाले एंड बहुत चांदम निकाले थे कोम चोम्पू। आई डोंट नो उसने विकेट रन आउट करे हैं भाई। लकी भाई पहले भी ख़त्म हो सकता है जिस तरह से स्टार्ट मिली है, पहली गेंद एक बार फिर से वाइड। ओ मेघराज सिंह जी का क्वेश्चन है, ओवर में 1 ओवर में भाई 10 रन सॉरी 9 बन बने थे, 9 रन बने थे पहले ओवर में, दूसरा ओवर स्टार्ट हुआ है, दूसरे ओवर की पहली गेंद पे एक और सिंगल, तो अब जो स्कोर हो चुका है वह है 10 रन 1 ओवर 1 गेंदों की समाप्ति के बाद। ओके दादा किन तो भालो खेले। हाँ वही भालो खेले दादा, खूब भालो खेले।
सो गाइस जो स्कोर हो चुका है, 1 ओवर 2 गेंदे 10 रन और कोई विकेट नहीं गिरा है, और अगर हम बात करें 45 रनों की ज़रूरत है। पैंतालीस रनों की ज़रूरत है, 18 ओवर 4 गेंद अभी भी बची हुई हैं। चायवाई की बात करें तो 1 रन बनाई है इन्होंने, 3 गेंदों का सामना किया है, और अगर हम बात करें चैंटम की तो 7 रन बनाई है, 6 गेंदों का सामना किया उन्होंने। एक ओवर 5 गेंद और 11 रन बने हैं। एक और सिंगल, वेंकटेशन थाला, विकेट, नो विकेट टिल नाउ ब्रदर। सो 2 ओवर हो चुके हैं गाइस और 11 रन, कोई विकेट नहीं गिरा है। दूसरे ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी और 3 रन निकाले दूसरे ओवर में। शशांक जी का 20 रुपये का यहाँ पे सुपर चैट आया, थैंक यू सो मच शशांक भाई फॉर सेंडिंग अस 20 रुपीज़ ऑफ सुपर चैट, लव यू भाई। सो गाइस फर्स्ट सुपर चैट, सेकेंड सुपर चैट ऑफ द डे बाई शशांक, थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड नाउ शशांक इज़ दी एडमिन ऑफ आवर चैनल, सो एनी बडी हु विल सेंड, अभी मुझे 25 सेंड कर दो, एनी बडी हु विल सेंड एनी काइंड ऑफ सुपर चैट दे विल बी एडमिन ऑफ माई चैनल, सो थैंक यू सो मच एक बार फिर से भाई। ओके वेयर इज़ योर चैनल, होम चैनल आर यू, को कैम चोम्पू ने रन आउट करे हैं भाई। सो नाउ द स्कोर इज 2 balls एंड जस्ट 1 single run, सॉरी वो 2.2 ओवर्स हो गए हैं, तो 2 ओवर 2 गेंदों में 12 रन बने हैं और कोई विकेट नहीं गिरा है। या शशांक आई फाइनली आई गॉट योर 20 रुपीज़ ऑफ डोनेशन, थैंक यू सो मच गाइज, एक बार थैंक यू कर दीजिए भाई आप सभी लोग शशांक भाई का, जिन्होंने 20 रुपये का डोनेशन करा हमारे चैनल के लिए। आप लोग भी कर सकते हैं भाई, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को क्लिक करना है डॉलर के साइन के ऊपर जो आपके सामने आ रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, सुपर चैट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद डॉलर के साइन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर, जैसे आप डॉलर का साइन क्लिक करोगे आपको सुपर चैट ऑप्शन आएगा, सुपर चैट का ऑप्शन के क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे पैसे सेंड करने का, जितना भी आपको सेंड करना है उतना आप सेंड कर सकते हैं वहाँ से। सर हम 2 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, सुधीर भाई कोई बात नहीं यार, आप 2 पॉइंट से आगे हो जाओगे कुछ ही देर में। बुक पर कैसे खेले भाई, और इसकी कितना रन बनाया भाई, गुड्डू भाई 1 रन बनाया उसने, 2 ओवर 3 गेंदे हो गई हैं गाइज और 14 रन, सॉरी 2 ओवर 4 गेंदे, एक और चौका, सो दैट्स ए गुड शॉट, 4 रन यहाँ पे बने हैं। नवीन भाई विकेट तो यार जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि थाईलैंड वुमेन्स यहाँ पर एक भी विकेट देने वाली है इस मुकाबले में। तो 18 रन हो चुके हैं और कोई विकेट नहीं गिरा है भाई लोग।
बता दूँ आप लोगों को गाइज, आज दो लोगों ने सुपर चैट कराया मेरे चैनल को। पहले हैं रमेश काने भाई ने, जिन्होंने 20 रुपये का सुपर चैट करा था, और है एक शशांक भाई जिन्होंने 20 रुपये का सुपर चैट अभी थोड़ी देर पहले करा है। तो थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों का, जिन्होंने हमारे चैनल को सपोर्ट करा। थाईलैंड आराम से विन करेगा। नवनीत भाई, मैंने तो मैच स्टार्ट होने से पहले ही बताया था आपको कि ये मुकाबला थाईलैंड जीतेगी यार। थाईलैंड ही जीतेगा। दैट्स अ वेरी 2.5 गेंदे, 19 रन, कोई विकेट नहीं। तो यहाँ पे तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन और कोई विकेट नहीं गिरा। अगर हम बात करें रिमेनिंग रन्स की, तो 36 रनों की और ज़रूरत है। 17 ओवर अभी भी हाथ में है। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं दोनों ही। स्टार्ट पहले ओवर में ही 8 रन 9 रन बना दिए थे। और अगर हम बात करें नीदरलैंड वुमेंस की, तो उनकी भी स्टार्ट काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन दूसरे ओवर से विकेट गिरना स्टार्ट हो गया था। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टार्ट मैं कहूँगा थाईलैंड वुमेंस की टीम की। चौथा ओवर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और मुझे लगता है ये जो गेम है 10 ओवर के अंदर अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से फिलहाल बल्लेबाजी हो रही है थाईलैंड वुमेंस की। विकेट अगर नहीं जाएगा तो 10 ओवर के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा गेम। आप लोगों में से कितने लोगों को अभी भी लगता है कि नीदरलैंड ये मुकाबले में वापस आ सकती है? आप लोग अपने अपने कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं प्रेडिक्शंस। आपको लोगों को क्या लगता है फिलहाल ये मुकाबला कौन जीतेगा, नीदरलैंड या फिर थाईलैंड? आप लोग नीदरलैंड के लिए NED टाइप कर सकते हैं, और थाईलैंड के लिए THA टाइप कर सकते हैं। कभी नहीं भी, कभी भी नहीं। ओके, एक बॉल प्लीज। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके थैंक यू गाइस। थाईलैंड बहुत मजबूत टीम है। अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा, काफ़ी अच्छी टीम है। ज्वेलिंग को एक भी विकेट नहीं मिलना चाहिए, उसको एक भी विकेट नहीं मिलेगा भाई। कपिल मिश्रा जी, एक और चौका गाइज। 23 रन हो चुके हैं, 3 ओवर 1 गेंद हुई हैं। और अगर हम बात करें आखिरी चौके की, तो यहाँ पर चैंटम ने लगाया, जिन्होंने 22 रन बनाकर खेल रही है। 13 गेंदों का सामना किया है। दूसरी इनिंग स्टार्ट हो चुकी है। बता दूँ आप लोगों को, सुधीर चैंटम ने 13 गेंद 4 चौके लगाए हैं फिलहाल अभी इस इनिंग्स में। और गेंदबाजी कर रही हैं कैरोलिन डी लैंगे, जिन्होंने 1.3 ओवर में 11 रन दिए हैं और कोई विकेट फिलहाल के लिए नहीं निकाला है। ज्वेलिंग की बात करें तो एक और चौका गाइज, बता दूँ आप लोगों को। अब तो मुझे लगता है यार, अब बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा गेम। बैक टू बैक 4 या 3 ओवर 3 गेंदें हो चुकी हैं, 27 रन और कोई विकेट नहीं गिरा है। थाईलैंड वुमेंस की टीम की बात करें, तीसरी गेंद डॉट गेंद, चौथी गेंद यहाँ पर गेंदबाजी करेंगी। एक और सिंगल डी लैंगे ने चैंटम कट करा था ऑफ साइड में, और एक तेज़ी के साथ एक सिंगल भाग गई। तो अब स्कोर जो हो चुका है, स्कोर पहुँच चुका है 24-28 रनों पे। 3 ओवर 4 गेंदें हो गई हैं। अब पांचवी गेंद यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए चल रही हैं, गेंदबाजी डी लैंगे कर रही हैं। चैंटम यहाँ पे, अगर हम स्ट्राइक की बात करें, चाइवा स्ट्राइक पे, जिन्होंने 3 रन बनाए हैं, 7 गेंदों का सामना किया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पांचवी गेंद पे क्या होता है। पांचवी गेंद पे एक और डॉटर गेंद, सीधा यानी स्वीप खेलना चाहती थी, लेकिन पैड पे लगी गेंद और कोई रन नहीं। तो पांचवी गेंद डॉट गेंद हो गई थी गाइज, चैंटम आउट करवाओ। ओके भाई अनुज जी, लेट्स सी। छठी गेंद यहाँ पे स्ट्राइक पे रहेंगी। अगर हम बात करें, छठी गेंद भी डॉट गेंद, इसको भी ये स्वीप करना चाहती थी। अगर हम बात करें तो बैक फुट पे जाके इन्होंने एक डिफेंसिव शॉट खेल दिया, कोई रन नहीं। 4 ओवर हो चुके हैं, 28 रन, और 4 ओवरों के बाद 28 रन, और जो राइट नाउ रन रेट चल रहा है, 7 का रन रेट चल रहा है। अगले ओवर की अगर हम बात करें, तो अगले ओवर यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे मेरे ख्याल से मिकी ज्विलिंग, जिन्होंने 1 ओवर में 8 रन दिए हैं और कोई विकेट फिलहाल नहीं निकाला है। और उन्होंने अभी, सॉरी, आयरिस ज्विलिंग यहाँ पे गेंदबाजी करनी है। मिकी को हटा दिया गया है स्ट्राइक से। अनुज भाई, लेट्स सी क्या होता है।
तो पांचवें ओवर की अगर हम बात करें तो पांचवें ओवर यहाँ पे गेंदबाजी करने आई रही हैं आयरिस विलिंग, जो कि राइट हैंडेड मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं, और कैरोलिन डी लैंगे एक लेग ब्रेक गेंदबाज है जिन्होंने कोई 2 ओवर में 12 रन दिए और कोई विकेट नहीं निकाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथे पाँचवें ओवर की पहली गेंद पे क्या होता है। ज्विलिंग यहाँ पे मीडियम पेस गेंदबाजी करनी है, राइट हैंड से ये करती हैं गेंदबाजी। बिल्कुल यार, चैंटम को आउट करवाएंगे फिलहाल, देखते हैं क्या होता है। अमित भाई उसको विकेट तो दिलवा देंगे, आप मेरे चैनल को भी हेल्प कर दीजिए। फिलहाल जो टाइम हो रहा है नीदरलैंड में, आप लोगों को बता दूँ 12:56 हो रहे हैं वहाँ पे दोपहर के। इसके बाद एक और गेम स्टार्ट होगा। तो पहली गेंद पे यहाँ पे गाइज लेग बाई और 1 रन, ऑफ साइड में गई थी गेंद और मारना चाहती थी ऑफ साइड में, लेकिन गेंद मिस हो गई। कोई दूसरी गेंद पे अगर हम बात करें तो एक और डॉट गेंद, चाय वाई मारना चाहती थी कवर्स की तरफ लेकिन गेंद मिस हो गई और कोई रन नहीं। तीसरी गेंद की अगर हम बात करें, नहीं भाई मैं नहीं खेला हूँ। तीसरी गेंद यहाँ पे लेके चल रही है जेरा ज्विलिंग, जो कि आयरिस ज्विलिंग, जो कि दो गेंदों पे कोई रन नहीं दिया इन्होंने। फिलहाल एक लेग बाई पहली गेंद पे गई थी लेकिन वो इनके गेंदबाजी में काउंट नहीं होगा। तीसरी गेंद चाइवा यहाँ पे स्ट्राइक पे हैं, तीसरी गेंद लेट्स सी क्या होता है गाइस। एनी प्रिडिक्शन गाइस, आप लोगों को क्या लगता है तीसरी गेंद पे? सो गाइस एक विकेट गिर गया और एक आउट हो गई। भाइयों नवीन भाई आउट हो गई, मुबारक हो आपको, आपकी प्लेयर को ज्विलिंग को विकेट गिर गया, निकाल दिया भाई ने, मुबारक हो भाई, अब तो आप लाखों रुपए जीतने वाले हो। तो गाइस बता दूं आपको, ये जो आउट हुई हैं फुल टॉस गेंद थी, सीधा स्टंप पे स्विंग हो गई गेंद और मिस कर गई। अगर हम बात करें चाई वाई को, ज्विलिंग की गेंद थी और सीधा जाके विकेट 2 में लग गई। इन्होंने 3 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया 27 के स्ट्राइक रेट के साथ। गुड बाई ज्विलिंग को भाई, विकेट मिल गया। नवीन भाई का नीदरलैंड है क्या? पता नहीं यार नवीन भाई का क्या है। हाँ ब्रो भाई, क्रोम पे कैसे देखें जाएगा? भाई क्रोम पे आप नहीं देख सकते हैं, यहाँ पे जितना मज़ा आएगा आपको क्रोम पे देखने पे मज़ा नहीं आएगा। तो आप यहीं पे इन्जॉय कर सकते हैं गेम को, आप अपने थॉट्स भी टाइप कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस गेम में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या लगता है कौन जीतने वाला गेम, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पांचवा ओवर यहाँ पे पांचवी गेंद लेकर चलेंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें नए बल्लेबाज की, तो नए बल्लेबाजी करने आई हैं कॉन्च रेने की, जो कि पहली गेंद पे ही पैड पे गेंद लगी और कोई रन नहीं, सॉरी चौथी गेंद थी, पांचवी गेंद यहाँ पर। एक और विकेट भाई ज्विलिंग को दिला दो। अमित भाई ज्विलिंग को एक और विकेट दिला देंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। आप सुपर चैट कर सकते हैं 20 रुपये का, आपको डॉलर का साइन दिख रहा होगा, वहाँ से आप डॉलर के साइन के ऊपर क्लिक करके, आप सुपर चैट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको एक और विकेट हम दिला देंगे इसी ओवर में, सॉरी इस ओवर के बाद में। चलिए भाई एक और विकेट गिर गया आपके कहते ही आप। चलो भाई एक और विकेट गिर गया, 2 विकेट गिर गए हैं गाइस, बता दो आप लोगों को, दोनों विकेट ज्विलिंग ने निकाले हैं। तो अमित भाई अब तो आप हमारे चैनल को हेल्प कर ही सकते हो आई थिंक। देखो आपने एक विकेट और भाई, 2 विकेट सुपर रन नहीं हो रहा है मेरा। सुपर चैट रुहोल भाई क्यों नहीं हो रहा है? अब तो भाई सुपर चैट आप कर ही सकते हो अमित भाई। भाई सी किसने लिया? भाई ये विकेट भी ज्विलिंग ने लिया और गेंद की अगर हम बात करें बैक फुट से बीट हो गई गेंद। कौन शुरू पता नहीं क्या नाम था इनका, काफ़ी डिफिकल्ट नेम है। ऑल राइट थैंक यू अमित भाई।
आई थिंक आप लोग भी हमारे मेरे लिए लकी हैं काफ़ी। भाई ऐसे ही विकेट गिरेगा क्या भाई? नवनीत जी बिल्कुल ऐसे ही विकेट गिरेगा यार। पांचवें ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पे अगर हम बात करें, ज्विलिंग एक बार फिर से एक और विकेट निकाल दें तो मज़ा आ जाएगा मेरे ख्याल। भाई मैं यूपी से हूँ यार, यूपी वाराणसी, तो अब गेम थोड़ा सा इंटरेस्ट। भाई बस एक विकेट ज्विलिंग, टेक्निकल बॉय जी डेफिनेटली यार एक और विकेट आप लोगों के लिए गिराएंगे ज्विलिंग के द्वारा अगले ओवर में। फ़िलहाल तो इनका ओवर समाप्त हो चुका है। थैंक यू चरण भाई। पांच ओवर समाप्त हो चुके हैं गाइज। आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं बना। बोचैंथम यहाँ पे बल्लेबाजी करने आई हैं और जिन्होंने एक गेंद का सामना करा है उन्होंने कोई विकेट कोई रन नहीं बनाया। 23 रन पे चैंथम खेल रही है। अब यहाँ पर गेंदबाजी जो करने आई हैं वह हैं ग्वेंडोलिन ब्लोमिन, नवीन भाई। ऐसा कुछ नहीं है यार। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल गाइज। एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे गेंदबाजी की फोर लगने वाला है दोस्तों। ओके भाई लेट्स सी। अरे भाई वो चैंटम को आउट करा। बींग बलूंगा जी आप यार बिल्कुल आउट करा देंगे यार। प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करिए हमारे चैनल को यार। जस्ट सेंड 20 रुपीज़ सुपर चैट गाइज। एनी बडी इज़ हियर हु कैन सेंड 20 रुपीज़ ऑफ चै सुपर चैट। आप लोगों को करना क्या है सुपर चैट के लिए, आप लोगों को एक डॉलर का साइन दिख रहा होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ से आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करते ही आपको आ रहा होगा ऑप्शन सुपर चैट का। आपको सुपर चैट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अमाउंट दिखाएगा 40 रुपीज़, देन आपको दिखाएगा 20 रुपीज़, देन आपको दिखाएगा 100, 60, 40, 80 जितना भी आपको सेंड करना है आप वहाँ पे उसके बाद क्लिक करने का बाई एंड सेंड कर सकते हैं। पांच ओवर चार गेंदें हो गई हैं गाइस। 29 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पांचवी गेंद इस ओवर में अगर हम बात करें तो कोई भी रन नहीं बने हैं। चैंटम यहाँ पे काफ़ी धीमी हो गई है इस अगर हम बात करें इस ओवर में। पांचवी गेंद यहाँ पे ब्लूमैन गेंदबाजी करें, एक और चौका गाइस। तो काफ़ी अच्छा शॉट था बताऊंगा। थोड़ा सा ऑफ साइड में रूम मिला था और स्वीपर बाउंड्री की तरफ 4 रन कर दिया गेंद 4 रनों के लिए। पांच ओवर पांच गेंदें हो गई हैं। अब जो स्कोर पहुंच गया 33 रन और कोई विकेट नहीं, एक विकेट के नुकसान पे। कौन कौन आउट हुआ है भाई? फिलहाल 2 विकेट आउट हुए हैं। दोनों ही विकेट जो हैं वो हैं आखिरी गेंद पे एक और सिंगल गाइज। चैंटम खेल रही हैं फिलहाल। 2 विकेट जो आउट हुए हैं, एक आउट हुई हैं चाई वाई और कॉन्चोर नैन काई, जो कि कुछ खास नहीं करा उन्होंने। सातवां ओवर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है गाइज, आप लोगों को बता दूँ। सातवां ओवर की अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो ज्विलिंग एक बार फिर से गेंदबाजी पे आ रही हैं। लेट्स सी इस बार ही क्या करती हैं। भाई लेओमी ने 2 विकेट निकाले हैं अमित भाई। एक उसने बोल्ड कराया है और एक जो है उसने कैच करवाया था। तो सातवें ओवर की स्टार्ट होने वाला है और ज्विलिंग एक बार फिर से गेंदबाजी करने आ रही हैं। आयरिस ज्विलिंग जिन्होंने एक ओवर में 1 मिडन दिया और 2 विकेट निकाला है। वहाँ पर एक ही शो कर रहा होगा लेकिन उन्होंने 2 विकेट निकाला भाई और 2 विकेट रन आउट हुए हैं 1 रन। एक और सिंगल। अब चैंटम पहुंच गए 29 रनों पे। 23 गेंदों का सामना किया इन्होंने और 5 चौके लगा चुकी हैं फिलहाल अभी वो। मेरे ख्याल से वो अपडेट, आई डोंट थिंक सो वो अपडेट होने वाला है अब। ओके आप 200 मारते लेट्स सी।
छः ओवर 2 गेंदे 36 रन, एक और सिंगल गाइस, 20 रनों की ज़रूरत है, और 13 ओवर 3 5 गेंदे अभी भी बाकी हैं। दलवीर भाई आपको स्कॉटलैंड और ओके भाई, आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूँगा आपको देने का। बाय द वे, आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं दलवीर जी। आपको करना है कि आपको डॉलर के साइन के ऊपर क्लिक करना है, डॉलर के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सुपर चैट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और वहाँ से आप हमारे चैनल को अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। 6 ओवर 4 गेंदे और 37 रन 2 विकेट के नुकसान पे किसको आउट कराना है नवीन भाई? विकेट सीखो, ओके, आपके लिए डेफिनेटली आउट कराएंगे भाई, बिल्कुल यार। आयरिस एक और विकेट डेफिनेटली आपके लिए निकालेगी। प्रत्युष सिन्हा जी डेफिनेटली यार उसको भी आउट करा देंगे 40 रन से पहले, बट हाँ यू गाइस, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाओ यार, आप लोग तो सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे हो बिल्कुल भी हमारे चैनल को। 6 ओवर 5 गेंद 40 रन, एक और चौका गाइस, बता दूँ आप लोगों को, इस 15 रनों की और ज़रूरत है। फ्री हिट थी, सॉरी, 5वीं गेंद की अगर हम बात करें तो फ्री हिट थी, तो उसमें 2 रन बनाए थे, और 5वीं गेंद पे एक और सिंगल, वहाँ से 4 रन बन गए। तो फिलहाल जो स्कोर हो गया 40 रन 6 ओवर 5 गेंदों के बाद। प्रत्युष भाई मैं यूपी से हूँ यार, तो बता दूं नवीन भाई, चौका नहीं लगा था भाई, नो बॉल थी, नो बॉल पे 2 रन निकाले थे और उसके बाद एक सिंगल लिया था। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस विलिंग देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं जल्दी भाई जी। रोहित भाई मैं यार वाराणसी से हूँ, यूपी में कहाँ से हो? एम मिस्टर ऐसे दादा बुझते पारी ना, आमी কি লেখো তুমি, আমি বলতে পারি কিন্তু আমি বুঝতে পারি না। ওয়ে আর ইউ ফ্রম, আপ কহাঁ সে রোহিত ভাই? 7 ওভার সমাপ্ত হয়ে চুকে হ্যাঁ, যে পোস্ট সে বোলিং করবাও, যে পোস্ট সে বিলকুল বোলিং করবায়েঙ্গে ভাই। চৌকা ফাইনালি আখরি গেন্দ পে লাগি গিয়া, বোলা ভাই 11ওভার মে খতম হোগা, ওকে ভাই আপনে সহি বোলা থা। भाई चार अभी वो 40 रन से ज़्यादा नहीं मारेगी प्रत्युष भाई, आप टेंशन ना लो भाई, बोला था जी 11 ओवर में ख़त्म। लकी भाई आपने सही, एक विकेट प्लीज़ ज्विलिंग को दिला दो भाई, बिल्कुल दिला देंगे यार, आप सपोर्ट तो दिखाओ हमारे चैनल को, डेफिनेटली आपको हम लाखों रुपए जिताएंगे। तो मैं जबलपुर से हूँ यार, ओके रोहित भाई ग्रेट, झाड़ दिया, अब 6 लगने वाला, नवीन जी कह रहे हैं 6 लगने वाला है गाइज। अब 35 रनों पे पहुंच चुकी है भाई, 1 विकेट, 7 ओवर 1 गेंद हो चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पे सातवें ओवर की आखिरी गेंद पे, तो स्वीप करा था गेंद को, 4 रन चली गई थी, और अगर हम पहली गेंद की बात करें इस ओवर की, तो इस गेंद को भी उठा के गेंद को मारा था बॉलर के ऊपर से, 2 बाउंस और गेंद 4 रनों के लिए। ओके ग्रेट, ओके मिस्टर ऐसे भाई बिहार, प्रत्युष जी बिहार से हैं, पटना से, ओके प्रत्युष भाई आप पटना से, पटना में कहाँ से? आपको इंद्रपुरी पता है? 4 लग गया जी भाई, 4 लग गया, जो 2 विकेट गिरे हैं उनसे से अच्छा कैच भी हुआ है।
हाँ भाई एक अच्छा कैच हुआ दोनों बू भाई कैच की। अगर हम गाइज एक और दो रन और बता दूँ जो दोनों विकेट फिलहाल के लिए गिरे हैं दोनों के दोनों बोल्ड हुई हैं, किसी ने कैच नहीं पकड़ा उन दोनों का। अब जो स्कोर पहुंच गया है गाइज 50 रनों पे और 5 रन और चाहिए मेरे ख्याल से इस ओवर में ही समाप्त ना हो जाए। कितने लोगों को लगता है कि इस ओवर में ये गेम समाप्त होने वाला है गाइज? आप लोग अपने अपने कमेंट्स टाइप करें। ओके कह रहे हैं डू डू गुड गेट गुड जी कह रहे हैं कि हाँ मार दो। नवीन जी कह रहे हैं बिल्कुल नेक्स्ट ओवर। ओके अगले ओवर में आई एम अनलकी टुडे माई कैप्टन ने यस चाय वाई। ओके इसी ओवर में हो गया समाप्त। ओके 54 मैच 2 गेंदे गाइज और हैं 54 रन हो चुके हैं। अब जो रिक्वायर रन रेट्स हैं एक और रनों की ज़रूरत है। अब इसी ओवर में मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाए। एक छक्के पे 1,000 जीत जाऊंगा। छक्का तो नहीं लगेगा भाई वुमेन्स इस गेम में तो एक भी छक्का नहीं लगाया है। राहुल भाई थाईलैंड बिल्कुल यार आई टोल्ड यू गाइस दैट थाईलैंड इज़ गोइंग टू विन दिस गेम। रमेश भाई आई हैवेंट अपडेट आई मीन द गेम इज़ गोइंग टू ओवर इन आई थिंक 5 to 10 मिनट्स। सो आई विल वंस दिस गेम गेट्स ओवर आई विल ऐड यू ओवर देयर। सो अनदर 5 to 10 मिनट्स देन आई विल टेक्स्ट यू ऑन द टेलीग्राम चैनल। सो RAM आई जस्ट ऐड यू इन 5 to 10 मिनट्स। आई थिंक दिस गेम इज़ गोइंग टू ओवर इन 5 मिनट्स। अमित जी यार आई कांट चैट विथ यू राइट नाउ। सो आपने तो यार कुछ एटलीस्ट यू शुड सेंड समथिंग। मैच कैप्टन किसको सेलेक्ट करूँ? दलवीर भाई मैं यार आधे घंटे पहले आपसे जुड़ूंगा मैच स्टार्ट होने से पहले। प्रतीश भाई कोई बात नहीं यार आप अगली बार जीतोगे लाखों रुपए डोंट वरी। होता है ये तो गेम है यार एक अच्छा खेलेगी एक ख़राब खेलेगी। सो गाइस गेम इज़ ओवर। 8 ओवर में 55 रन बना गए। अगर हम बात करें थाईलैंड वुमेन्स की काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी। हम बात करें अगर थाईलैंड की ओर से चैंटम ने भाई 6:30 बजे से मेरे ख्याल से मैं लाइव आ जाऊंगा। अगर 7 बजे से गेम स्टार्ट होगा तो वी कैन वी विल कम एट 6 o'clock। हाल अपले दलवीर 1 लाख रुपया नहीं मुझे 10,000 रुपये का लॉस हो गया। हाल अपले गोल खेल में बंडी कर दूंगा यार। दलवीर जी टेलीग्राम है भाई नवीन भाई आपको टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को। और गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सेंड योर सुपर चैट्स। वी हैव गॉट टू सुपर चैट वन इज़ फ्रॉम रमेश भाई थैंक यू सो मच एक बार फिर से भाई आपको। और एक सुपर चैट आया था हमारे शशांक जी से जिन्होंने 20 रुपये का सुपर चैट करा था। सो थैंक यू भाई। टारगेट विद धीरज जी भाई मैं ड्रीम 11 की टीम तो नहीं बता था लेकिन इस मैच में भी 350 रुपये लॉस हो गया। ओके यार मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि थाईलैंड ये मुकाबला जीतेगी तो आई थिंक यू शुड हैव बिन आप लोगों को उस टाइम थाईलैंड को लगाना चाहिए था। ओके सो गाइज ओके सो रमेश इज़ गोइंग टू बी यू नो ही विल बी इन आवर टेलीग्राम चैनल ही विल बी द एडमिन। सो ही विल गिव यू अ गुड टीम गाइज। नवीन भाई आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड यू ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड आई विल जस्ट टेक्स्ट यू इन जस्ट कपल ऑफ मोर मिनट्स। आई थिंक आई शुड बी ओवर लैंड दिस इन जस्ट नेक्स्ट कपल ऑफ मोर मिनट्स। सो वट यू कैन डू इज यू कैन गिव योर टीम्स बाई दैट। नवीन भाई आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यार डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है वहाँ से आप ज्वाइन करिए और आपको
टीम्स वहाँ पे ड्रीम इलेवन की मिल जाएगी। ओके बता दूँ आपको स्कोर कार्ड इस मुकाबले का। पहले नीदरलैंड ने टॉस जीता था, नीदरलैंड ने टॉस जीत के बल्लेबाजी करी और बी लीड ने 10 रन बनाए थे, 10 गेंदों का सामना किया था। इसके अलावा आर रिचकी ने बनाए 1 रन, 4 गेंदों का सामना किया। 15 रन हनेमा ने बनाए, 31 गेंदों का सामना किया। पोस्ट ने बनाए 2 रन, 8 गेंदों का सामना किया। ओके दलवीर भाई, मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी वहाँ से आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें वैन एर्कल की, तो शून्य बनाए उन्होंने, शून्य बनाए ज्विलिंग ने, और 16 रन बनाए बेनेट ने। इसके अलावा सी डी लैंगे ने 2 रन बनाए, 0 बनाए ज्विलिंग, और ब्लूमिन आउट नहीं हुई थी, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में यहाँ पे सुथिरोंग ने 2 ओवर में 11 रन, कोई विकेट नहीं। बोचैंथम ने 3 विकेट निकाले थे। रमेश भाई, यार ड्रीम इलेवन का नाम आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। टीपूच ने 3 ओवर में 8 रन, 1 विकेट निकाले, और अगर इसके बाद हम बात कर लें, उमी ने 3 ओवर में 11 रन और 2 विकेट निकाले। इन्होंने 2 विकेट निकाले काम चोम्पू ने। और इसके अलावा अगर हम बात करें थाईलैंड की बल्लेबाजी की, तो 42 रन बनाए चैंटम ने। राहुल भाई 2 विकेट लिए हैं लेओमी ने। चैंटम ने 42 रन बनाए, 31 गेंदों का सामना किया। 3 रन पे आउट हो गई चाई वाई। इसके अलावा 11 गेंदों का इन्होंने सामना करा। जो कैप्टन थी कोचरेन ने काई ने शून्य बनाए, 2 गेंदों का सामना किया। बोचैंथम की बात करें, 6 रन बनाए, 5 गेंदों का इन्होंने सामना किया। गेंदबाजी की बात करें तो 2 विकेट आयरिस ज्विलिंग ने निकाले, 2 ओवर में 10 रन दिए और 1 मेडन करा, कोई 2 विकेट निकाले। इसके अलावा वेग्यू लैंगे और एम ज्विलिंग, मिकी ज्विलिंग और ब्लूमेन, किसी को कोई विकेट नहीं मिला। और हम ब्लूमेन की बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहीं। राहुल भाई वो अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में मेरे ख्याल से, नहीं तो वो बॉलिंग कार्ड में ऐसे ही शो कर रहा है, लेकिन उन्होंने 2 विकेट निकाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, इट वॉज़ रियली नाइस, गुड मैच। सो वी विल मीट, हम आपको दूसरे जो गेम होने वाला है इस मैच, इस सीरीज़ का छठा मुकाबला नीदरलैंड और सॉरी स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच में होगा, तो उसमें आपसे हम जुड़ेंगे आधे घंटे पहले। तो मेक श्योर गाइस आप जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच भाई। और रमेश भाई चलिए टेलीग्राम पे हम बात करते हैं वहाँ पे। थैंक यू गाइस।